बात है पिछले महीने की, और मैं अपनी दोस्त के साथ रिम्स मेडिकल हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी नानी के चेकअप के लिए। और जब सारा काम हो गया, चेकअप हो गया, डॉक्टर से मुलाकात हो गई, उसके बाद हम लोग बस लौटने ही वाले थे कि गेट के पास हमें एक औरत की ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आती है। और वो आवाज़ इतनी खतरनाक थी, मुझे लगा कि अरे बाप रे, दुष्ट आत्मा यहाँ भी है क्या, चलो दुष्ट आत्मा निकालने चलते। लेकिन जब हमने पास जाकर देखा तो वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो ऑटो में बैठी हुई थी, छोटे से ऑटो में, ना उसे अच्छे से बैठने की जगह हो पा रही थी, ना वो उठ पा रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो बस चिल्ला रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। और उसके साथ एक आंटी बैठी हुई थी, वो भी उसको कुछ मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी एजेड बड़ी थी, बूढ़ी थी। हमने सबको जा करके बुलाया, अपने अगल बगल जितने लड़के खड़े थे, जितनी आंटी लोग थी, कि कोई तो मदद करे, लेकिन उस समय कोई मदद करने को नहीं आ रहा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ही इज ऑन ड्यूटी 24 आवर्स, है ना। परमेश्वर बिल्कुल रेडी था, और परमेश्वर ने ये कहा कि कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि आज तुमको मदद करनी है। हालेलुया। हम लोग गए, हम सोच रहे थे कि जाएंगे और उनको स्ट्रेचर में उठा करके डालेंगे, लेकिन जब तक हम लोग गए तब तक उनका जो बेबी था उसका सिर बांध चुका, ऑटो में ही डिलीवरी शुरू हो चुकी थी, और हमारे पास मदद करने के लिए कोई नहीं था। हम उसको उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम उनको उठाते तो बच्चा गिर जाता, अगर हम उनको बिठाते तो भी बच्चा मर जाता, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है और उसके अलावा कोई ऑप्शन अच्छा है ही नहीं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना शुरू किए, हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, हम लोग आंटी को उसी छोटे से ऑटो में अपने हाथ पे लेटाए, और 15 से 20 मिनट के बाद एक छोटी सी बच्ची इस धरती पर। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि हम जैसे छोटे बच्चे ऐसा काम कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे भीतर जो है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, सब कुछ कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब हम अपनी ओर देखते हैं हमें अपनी कमियां नजर आती हैं, हमें अपनी ओर नहीं, किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर। क्योंकि हम लोग बाइबल स्टडी में क्या सीखे, ना तो अपने आप से, ना तो अपने पाप से, लेकिन अपने बाप से। हालेलुया। आइए अपने बाप की ओर हम लोग देखेंगे, अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज उसको कहेंगे कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम मीठा है। आइए अपने मुंह को खोले और उससे धन्यवाद करें, क्योंकि आज आप अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छा है, आप जिंदा है क्योंकि वो अच्छा है। इस घड़ी उससे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है। शरीर के लिए परमेश्वर, इन आंखों के लिए, इस जीभ के लिए, इस हाथ के लिए, इस पैर के लिए परमेश्वर, जो आपके लिए दौड़ पाता है, चल पाता है, कामों को कर पाता है प्रभु, तेरे वचनों को बोल पाता है परमेश्वर, तेरे अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव कर पाता है। हम इस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो तेरी पहचान में है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे मन के लिए परमेश्वर,
जिसकी कल्पना होती है कि श्री आराधना है, जिसके विचार होते हैं कि क्या ही भला है मेरा परमेश्वर। प्रभु हम इस योग्य नहीं है कि तेरी आराधना करें आज, लेकिन आज तुझसे क्षमा मांगते हैं। इस घड़ी हमें पवित्र कर, हम अपने पाप को नहीं, अपने आप को नहीं, लेकिन खुदा बात हम आपको देखना चाहते हैं और आपकी आराधना करना चाहते हैं। तेरे सिंहासन के पास पूरे हृदय से आना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप हमारी मदद कर कि आज बिना शर्माए बिना घबराए हम तेरी आराधना करते हैं और तेरी आत्मा से भर जाते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। आइए हम एक बार और गाएंगे, यीशु तेरा नाम मीठा है, सबसे मीठा है। सब लोग, जैसे यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता है, वो कितना मीठा रहा है आपके जीवन के, उस रीति से आप कहें यीशु तेरा नाम कितना मीठा है। यीशु तेरा नाम मीठा है, यीशु तेरा नाम मीठा है, यीशु तेरा नाम मीठा है, सबसे मीठा। यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारी सेहत से, हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे परिवार से, जिन बातों से आपको महिमा मिलती है वो बातें बढ़ती चले जाए ताकि आपको महिमा मिले। हम महिमा आदर आपको देंगे यीशु के नाम से, इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पिछले कुछ समय से पुराने नियम की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले दो दिनों में बहुत सारी पुस्तकों को देखा। हम लोगों ने उसके प्रारूप को देखा, उसके आउटलाइन को देखा, उसमें जो मूल संदेश है हमने उसको समझने की कोशिश की। आज के दिन हम लोग भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देखेंगे और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से पहले तीन पुस्तकें हम लोगों ने छोड़ कर रखा है, एज़रा, नहेमिया और एस्तेर, तो उसको देखें। और उसमें जो संदेश है, उसमें जो मूल तत्व है जिसे हमें समझना चाहिए या जो हमें अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिए, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग आज शब्द इस्तेमाल करते हैं भविष्यवक्ता या नबी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ला दिया जाए और कहा जाए कि वो एक भविष्यवक्ता है तो सारे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे भविष्यवक्ता हमारे बीच में। और उस व्यक्ति को भी भविष्यवक्ता होने की वजह से बहुत मान सम्मान इज्जत मिलती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में भविष्यवक्ता होना, पुराने समय का अर्थ जब यीशु मसीह नहीं आए थे उसके पहले, भविष्यवक्ता होना बहुत कठिन बात थी, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता को या जो भविष्यवाणी करने वाला है उसको ऐसे ऐसे काम करवाता था जो यदि आपको करवाए जाए तो आप करना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनको करना पड़ता था। उसके अलावा उनको परमेश्वर का आत्मा दिया जाता था और परमेश्वर की आत्मा आने की वजह से वे परमेश्वर के नजर से चीजों को देख सकते थे और वे देख सकते थे कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं, किन बातों से दूर रखनी चाहिए। और वे देखते थे कि जो इसराइली लोग हैं वे लोग हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चले जाते। तो जब उनको परमेश्वर के आत्मा से बोझ दिया जाता था तो वे देख पाते थे कि ये बातें तो घृणित हैं लेकिन लोग उसमें फंस रहे हैं और परमेश्वर साथ में बताता जाता था कि इसका दंड मैं उन्हें दूंगा। और उनको साथ में भविष्यवाणी करनी होती थी, दंड देगा परमेश्वर, लेकिन वे ये भी देख पाते थे कि लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे, मतलब दंड आने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन दंड आने के लिए भविष्यवाणी मुझे ही करनी, मेरे अपने लोगों के विनाश का माध्यम मैं ही खुद बन रहा हूं।
ऐसी परिस्थिति से भी गुजरते थे। मैं आपको एक दो उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि कैसी परिस्थितियों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था। आज के दिन में भविष्यवक्ता होना दूसरी बात है, आज बड़े मान सम्मान की बात होती है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यशया की पुस्तक और उसके अध्याय 20 और उसके पद 2 से, 2 से आगे हम लोग देखते जाएंगे। यशया की पुस्तक और उसके अध्याय 20 और उसके दूसरे पद से देखिए, यहां पर लिखा है, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशया से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता रहा। अगर इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में लास्ट लाइन, तो उसमें लिखा है कि एंड ही डिड सो वॉकिंग नेकेड एंड बेयर फुट। कितने समय तक? अगला पद, और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो। इंग्लिश में लिखा है, Then the Lord said, just as my servant Isaiah has walked naked and barefoot 3 years for a sign. मतलब उसने यशया से कहा कि तुम अपने कपड़े उतार दो, जूते उतार दो, कितने समय के लिए? 3 साल, और नंगे और नंगे पांव लोगों के बीच में घूमते रहो। और यशया को घूमना पड़ा 3 साल। और उसने कहा यह मिस्र और कूश के लिए चिन्ह होगा, और उसके द्वारा परमेश्वर यह कहना चाहता था कि इसी रीति से अश्शूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। ये बात कहनी थी परमेश्वर को, लेकिन उसने प्रत्यक्ष में यशया के द्वारा दिखाया, उसने उसको कहा तुम मेरा नबी है, तुमको मेरा एक काम करना है, जाकर अपने कपड़े उतार दो, अपने जूते उतार दो, लोगों के बीच में घूमते फिरो, 3 सालों तक ऐसा ही करना, और जब तुमसे लोग पूछे कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि लोग जानते तुम नबी हो, तो तुम कहना कि मिस्र और कूश के साथ ऐसा ही होगा। अश्शूर आएगा, उनको गुलाम बनाकर ले जाएगा, और जब ले जाएगा उनके कपड़े उतार देगा, उनको ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज के दिन यदि परमेश्वर आपसे ऐसा करने को कहे तो कितनी मुश्किल होगी। यिर्मयाह को बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो हृदय दिया था कि वो परमेश्वर की नजर से देख पा रहा था कि लोग पापों में पड़े हैं पर फिरते नहीं हैं, और साथ साथ में विनाश की भविष्यवाणियां वो करता जा रहा था। यिर्मयाह वो आखिरी नबी था यहूदा के देश में जो गुलामी में जाने के ठीक पहले भविष्यवाणी करता, लास्ट वार्निंग दे रहा था यिर्मयाह। और यिर्मयाह बता रहा है कि यदि तुम नहीं मानोगे तो ये तो तय है कि परमेश्वर बेबीलोन को भेजेगा, वो तुमको गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाएगा, मेरे अपने लोगों को परमेश्वर का दंड मिलेगा, गुलाम बनकर चले जाएंगे, और मैं आकर बोल रहा हूं, चिता रहा हूं, कोई नहीं मान रहा है। और उसको बड़ी तकलीफ होती थी अंदर से, उसको रोने का मन करता था, और वो रोता भी था, लोगों ने उसको रोने वाला नबी नाम दिया, लेकिन उसकी भविष्यवाणी किसी को सुधार नहीं पाई, रोक नहीं पाए, लोग बकायदा गुलामी में चले। यिर्मयाह ने अपने दर्द को इस प्रकार से लिखा, यिर्मयाह की पुस्तक और उसके अध्याय 9 और उसके पद 1 से देख, 1 को देखिए, उसने लिखा कि भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। रात दिन मैं उनके लिए रोता रहता, काश कि मेरा सिर जल ही जल होता। उसको रोने का इतना मन था कि उसके आंसू सूख गए, तो उसने सोचा कि काश कि मेरे सिर में दिमाग के बदले आंसू भरा होता, मेरा सिर जल ही जल होता, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, मैं रोता रहता रोता रहता रोता रहता। वो इतना रो चुका था कि उसके आंसू सूख गए, लेकिन वो और भी रोना चाहता था, उसके हृदय की दशा कोई अच्छी नहीं थी। वो तो कहता था कि परमेश्वर का वचन ऐसा है मानो मेरे हड्डियों में की धधकती हुई आग हो, मैं उसको रोकना चाहूं पर मैं नहीं रोक सकता, और उसको भविष्यवाणी करना पड़ता था। अब यिर्मयाह जानता था कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही हो जाएगा,
जो दंड, जो भविष्यवाणी, जो ताड़ना, विपत्ति मैं बोल रहा हूं वो सब हो जाएगा। परमेश्वर मुझे बुलवा रहा है और इसी बोलने के मुताबिक होगा, और वो भी गया। उसको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा। अगर आप यहेजकेल के विषय में देखें तो यहेजकेल के साथ में भी ऐसा ही था। जब आप यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे शुरू में बहुत अच्छा लगेगा कि वाह ऐसा मौका मुझे मिलता, कितना अच्छा। यहेजकेल को परमेश्वर के दर्शन हुए और उसने उसकी महिमा को देखा, लेकिन बाद में परमेश्वर यहेजकेल को बताने लगा कि तुमको भविष्यवाणी करनी है। अब भविष्यवाणी करनी है तो सीधा मतलब ये नहीं कि तुम खड़े होके कुछ बोल दो, तुमको पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा और तब लोग पूछेंगे और तब बताना पड़ेगा। और उसको क्या करना पड़ा? अध्याय 3:4 को अगर आप देखें तो उसको बोला गया, पद 4 में यह लिखता है कि फिर तू बाई करवट लेकर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए, अर्थात 390 दिन, उतने दिन तक तू इसराइल के घराने का के अधर्म का भार सहता रह। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दाहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए। उसने कहा कि तुम्हें भविष्यवाणी करनी होगी इसराइल के विरुद्ध, भविष्यवाणी करनी होगी यहूदा के विरुद्ध। इसराइल अर्थात उत्तरी राज्य, यहूदा अर्थात दक्षिणी राज्य, और इसराइल के अधर्म का बोझ तुमको उठाना पड़ेगा 390 दिन तक। तो 390 दिन तक तुमको बाई करवट से सोना होगा, क्योंकि वे लोग जो यहेजकेल है वो खुद बंदी बना लिया गया था, बंदियों के साथ गुलाम देश में पहुंचा दिया गया था। वहां पे कबार नदी के किनारे सारे गुलामों को रखा जाता था, खुले में रहते थे। तो यहेजकेल को 390 दिन तक सोना था बाई करवट से, पीठ के बल नहीं, दाहिनी करवट से नहीं, मतलब एक साल से भी ज्यादा। आपसे कहा जाए कि आप करवट से ही लेटिए, बाई करवट से लगातार एक साल तक, मतलब बीच में आपको उठ के अपना काम भी करने होंगे, लेकिन आपको जब भी लेटना है तो बाई करवट से अपना सारा काम निपटाइए और फिर लेट जाइए बाई करवट से। तो आप कहेंगे या कोई भी कह सकता है मुझे भविष्यवाणी नहीं करनी। उसको 390 दिन तक ऐसे बाई करवट से लेटना पड़ा दिखाने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार उनके अधर्म को गिन रहा है। फिर 40 दिन तक दाहिने करवट से लेटकर दिखाना है यहूदा के अधर्म का भार इस प्रकार से, और परमेश्वर उनको दंड देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको यह भी कहा गया कि इन 390 और 40 दिनों के दरमियान जब तुम रहोगे तो तुमको क्या करना होगा। पद 9 कहता है, तुम गेहूं और जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा था 390 दिन तक उसे खाया करना। और लिखते हैं तू जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का छठवां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। पद 10 को अगर हम नीचे देखें तो लिखता है प्रतिदिन 20-20 शेकेल, नीचे उसका अर्थ बताया लगभग 230 ग्राम। एक दिन में उसको जो भोजन ग्रहण करना है वो है 230 ग्राम, ठीक है, एक दिन का भोजन उसका 230 ग्राम 390 दिन तक ऐसे चले। और पानी एक दिन में कितना पीना है, यहां पर लिखा हीन का छठवां अंश, और नीचे अगर हम देखें अर्थात लगभग 600 मिलीलीटर, आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा। 390 दिन तक 230 ग्राम भोजन, 600 मिलीलीटर पानी पीना है, उसको भी समय समय पर पीना है, दिन भर समय समय पर तौल तौल का खाना। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, उसको क्या कहा गया, पद 12, अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। मतलब लोग जो मल त्याग कर देते हैं और वो सूख जाता है तो तुम उसको उठाकर लाओगे, उससे तुम आग जलाओगे और उस पर तुम पकाओगे और खाओगे, करना चाहेंगे। यहेजकेल ने कहा कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, कम से कम ये
मल वाला बदल दीजिए। तो उसको बोला ठीक है बदल देते हैं, तुम गोबर वाला कर सकते हो। तुम गोबर लाना, उसको सुखा कर उसके कंडे बनाना और तुम उस पर पका लेना। लेकिन शुरू में उसको कहा गया था जो मनुष्य का मल है उस पर कर, ये बताने के लिए कि उनके साथ ऐसे ही होने वाला है। और भयानक, और मुझे इससे भी भयानक लगता है होशे के साथ जो हुआ। अगर आप देखना चाहें होशे की पुस्तक में पहले अध्याय में होशे के विषय में लिखा है, जब पहले पहल परमेश्वर ने उससे बातचीत की तो उससे क्या कहा, पद दो कहता है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की। देखिए वो बातें करना शुरू ही कर रहा है, ठीक है, और उन्हीं दिनों की बात है। वो होशे से क्या कहता है, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि वह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत सा काम करता है। तो परमेश्वर को बताना था कि मैं उनका पति हूं, इज़राइल मेरी पत्नी है, लेकिन वे लोग मुझे छोड़कर, मेरी उपासना करना छोड़कर अन्य जातियों के देवताओं की उपासना करते हैं, वे वेश्या का सा काम कर रहे हैं। तो तुमको प्रैक्टिकली इसको दिखाना पड़ेगा होशे, इसलिए मेरी जगह पर तुम रहोगे, इज़राइल के जगह पर जो तुम्हारी पत्नी होगी वो एक वेश्या होगी। और वे होशे ने जाकर वेश्या से विवाह कर लिया। और आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी होशे से उसका बच्चा उत्पन्न होता है, कभी किसी और से उसका बच्चा उत्पन्न होता है, क्योंकि है तो वो वेश्या। और होशे से कहा जाता है कि तुमको उसका नाम रखना होगा और पाल पोस कर बड़ा भी करना है ना। आप में से किसी से कह दे परमेश्वर जाकर किसी वेश्या से शादी कर लो, वो तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेगी, कभी तुम्हारे बच्चे उससे उत्पन्न होंगे, कभी किसी और के बच्चे उत्पन्न होंगे, और तुमको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो दर्द तुमको होगा अपनी पत्नी के लिए, तो तुम समझना वही दर्द मुझे इज़राइल के लिए है, और तुमको साथ साथ में भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। होशे ने बकायदा ऐसा किया। एक बार तो ऐसी नौबत आई कि जो जिन लोगों के बीच में वेश्यावृत्ति करती थी उन लोगों ने उसे बाजार में ले जाकर बोली लगाकर बेचने के लिए खड़ा कर दिया। होशे से परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और बाजार से अपनी पत्नी को खरीद कर लाओ। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसके अध्याय 3 और उसके पद 2, उसी स्त्री अपनी पत्नी के विषय में वो कहता है कि तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसे ही रहूं। तो उसको अपनी पत्नी को बाजार से खरीद कर लाना पड़ा और उसके साथ में भविष्यवाणी करनी पड़ी। क्या भविष्यवाणी करनी पड़ी, पद 4, क्योंकि इज़राइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ, बिना एपोद अग्रि देवताओं के बैठे रहेंगे, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे। तो ये था पुराने नियम, और उन दिनों में भविष्यवक्ता होना बहुत कठिन था, और इन्होंने बहुत कष्ट उठा उठा कर भविष्यवाणियां की, बहुत सारी बातों उन्होंने बताया, और ये सारी बातें आपको यशया से लेकर मलाकी की पुस्तक के बीच में मिलेंगी। तो भविष्यवक्ता होना बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको ऐसा ही इस्तेमाल किया, और उसके बीच में वे भविष्यवाणी करते चले गए, पुस्तकें लिखते चले गए, पुस्तकों को उन्होंने लिखा और उसमें बकायदा बहुत सारी बातों को बताया गया। और आज के दिन हम लोग उन कठिन भविष्यवाणियों की पूर्णता को एंजॉय करते हैं, ठीक है। जो भविष्यवाणियां हमें करते थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो भविष्यवाणियां किस प्रकार से थी। अगर हम लोग भविष्यवाणियों को देखें मूल रूप मोटे तौर पर भविष्यवाणियों की पुस्तक का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि अगर आप किसी भविष्यवक्ता की पुस्तक को देखें, जैसे कि यशया की पुस्तक, आप उसके पहले अध्याय के पहले पद को देखिए, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, हर भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के साथ में ऐसे ही होगा कि भविष्यवक्ता कब भविष्यवाणी कर रहा है उसका समय वहां पर दिया हुआ है,
और यहाँ पर लिखा है पहले अध्याय पहला पद यशया लिखते हैं, आमोस के पुत्र यशया का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। ठीक है, तो जब यशया भविष्यवाणी कर रहा था तो उस समय का संदर्भ देखना चाहते हैं, उस समय जो राजा थे उनको देखना चाहते हैं, जो घटनाएं हो रही थी उसको जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उनका नाम है। और आप राजाओं और इतिहास की पुस्तक में जाकर उनका वृतांत पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन दिनों में कैसी घटनाएं हो रही थी, राजा कैसे थे। और आपको दिक्कत ना हो इसलिए जो नई बाइबल छापी गई है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें उन्होंने रेफरेंस लिख दिया है कि उस राजा का वर्णन आपको किस पुस्तक के किस अध्याय में मिलेगा। जैसे नहीं आपके पास बाइबल है तो उसमें आप नीचे छोटा छोटा लिखा हो पाएंगे, सबसे नीचे एक का एक, फिर स्टार, वहां लिखा है दूसरा राजा 15:1-7, 15:32-16 वगैरह वगैरह। तो इन सबको जब आप पढ़ेंगे तो आपको उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया राजाओं का वर्णन मिलेगा। तो यशया की पुस्तक को पढ़ने से पहले आपको वहां पढ़ना चाहिए ताकि उसका बैकग्राउंड आपको मालूम हो जाए कि जिन दिनों में भविष्यवाणियां हो रही थी वहां पर क्या स्थिति थी, कैसी शासन व्यवस्था थी, उसको आप समझ गए। और समझने के बाद आप यशया की पुस्तक को पढ़ें, यह हर एक पुस्तक के साथ में। और इसको सुविधा हो इसके लिए मैंने पेज नंबर 69 डिस्प्ले करेंगे और 70 जो नोट्स आपको मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा, आज उम्मीद करता हूं कि आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो नोट्स है इसमें जो बीच की लकीर है वो है ईस्वी पूर्व किस समय हो रहा था, बाईं तरफ है यहूदा के राजाओं का वर्णन और दाहिनी तरफ है इसराइल के राजाओं का वर्णन। ठीक है, ये यहूदा के राजा, ये इसराइल के राजा, और बीच में है ईस्वी पूर्व जिस समय ये घटनाएं घटी। और राजाओं का नाम क्या था, रहुबियाम था, अबिया था, आसा था, इसराइल के राजा क्या थे, यरूबाम था, नादाब था वगैरह। साथ में मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया क्योंकि जब आप राजाओं की पुस्तकों को पढ़ें, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें, तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा वो एक अच्छा था, अच्छा राजा था, या वो बुरा राजा था लिखा हुआ है। तो जहां आप माइनस देखें तो उसका मतलब है बाइबल में लिखा है उसके बारे में बुरा राजा था, उसने बुरा काम किया। अगर प्लस देखें इसका मतलब है उसकी तारीफ की गई और बताया गया है कि वो अच्छा था। कम जगह में हम लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए थी तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसके साथ में नबियों का साथ में जिक्र है, जैसे आप एलिया देखते हैं तो एलिया कब था, एलिया 875 ईस्वी पूर्व से लेकर 848 ईस्वी पूर्व तक रहा और वो आहाब राजा के दिनों के आसपास में रहा। आहाब राजा का काल है 874 ईस्वी पूर्व, सो उससे एक साल पहले से एलिया है, लेकिन जब से वो प्रकट होता है उसका वर्णन हमको मिलता है। उसी प्रकार से एलिशा, योना, इनका वर्णन। इधर देखिए योवेल की पुस्तक, योवेल की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे योआश के दिनों का योवेल है वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, मतलब कुछ अच्छी बातें भी उसके साथ है, बुरी बातें भी उसके साथ है। ओबद्या, ओबद्या भी एक पुस्तक आपको मिलेगा, एक ही अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हाँ, और इसके बाद ये ईस्वी सन, मतलब ईस्वी पूर्व, ये इसराइल के राजा, यहूदा के राजा और साथ साथ के भविष्यवक्ता। तो देखिए उज्जियाह राजा, योताम राजा, आहाज राजा, ईस्वी पूर्व 792 से लेकर आगे चलते जाए हिजकिया है 715 ईस्वी पूर्व तक। और हमने यशया के बारे में क्या पढ़ा, वो किन दिनों में भविष्यवाणी करता रहा, उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया राजा के दिनों में भविष्यवाणी करता रहा। तो यशया को मैंने बीच में लिख दिया है और उसका काल 740 ईस्वी पूर्व से 681 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इन इनके कालों में वो रहता है। ठीक है, और हो सकता है ईस्वी सन के बारे में या ईस्वी पूर्व के बारे में थोड़ा बहुत अंतर हो, अलग अलग थियोलॉजी अलग अलग बताते हैं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो यशया देखना है तो हमको पता चल गया किन राजाओं के दिनों में, और यहूदा में या फिर इसराइल में, क्योंकि आप आमोस को देख रहे हैं, आमोस इसराइल में भविष्यवाणी कर रहे हैं, यहूदा में नहीं। उसी प्रकार नहुम देख रहे हैं, सपन्या देख रहे हैं, हबक्कूक देख रहे हैं, ये लोग यहूदा के दिनों में कर रहे हैं, और उधर होशे देख रहे हैं वो इज़राइल में कर रहे हैं, तो अलग अलग है। तो और देखिए मैं ये परिचय आपको बता दूं, ये है 722 ईस्वी पूर्व जब उत्तरी राज्य इज़राइल को गुलाम बनाकर अश्शूर अपने हाथों ले गए। ठीक है, दक्षिणी राज्य कायम रहा, उसके राजा बनते रहे, लेकिन 586 ईस्वी पूर्व में इसको बेबीलोन ने गुलाम बना लिया। ठीक
गया। और जो इतिहास है उसके मुताबिक इसके बाद वे लोग लौटे 538 ईस्वी पूर्व में, जिसकी कहानी आपको एजरा और मलाकी, एजरा और नेहमिया की पुस्तकों में मिलेगी जब बाद में आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देख रहे हैं। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में कुछ पुस्तकें अलग प्रकार की हैं, लेकिन कई पुस्तकें एक प्रकार की। जैसे अलग प्रकार की पुस्तकों में एक है नहूम और एक है यहाँ नहीं है, एक है योना, यहाँ पे नहीं, पहले वाले पेज में था। और उसी प्रकार ओबद्या, ओबद्या, ठीक है, ओबद्या और योना, ये अलग, थोड़े अलग हैं। लेकिन बाकी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो आमतौर पर वे एक ही प्रकार से हैं। वो कैसे हैं? कोई काल है जिस समय में रह रहे, यहां पर भविष्यवक्ता है जिस समय ये घटनाएं घट रही, और भविष्यवक्ता अपने समय को देखता है, लोगों को देखता है। राजाओं के जमाने की बात है, लोगों को वार्निंग दिया जा रहा है कि भाई तुम लोग सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधरने को तैयार। और तब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने लगता है और उनको बताने लगता है कि परमेश्वर उनको दंड देगा। अब जो जब भी भविष्यवाणियां आती हैं तो भविष्यवाणियां आमतौर पर टू फोल्ड हैं, मतलब उनकी पूर्णता दो रीति से होगी, एक जो है तत्काल उनकी पूर्णता होगी और एक जो है बाद में उनकी पूर्णता होगी। ठीक है, वे लोग इसी प्रकार से भविष्यवाणी करते रहे, यहां तक कि जब उन्होंने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करना शुरू किया तो उसके पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों के विषय में साथ साथ भविष्यवाणी करने लगे। उनको पता नहीं चलता था कि यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन, उसके बीच में सालों सालों का गैप रहेगा, एक ही बार में दोनों बातों को बोल देते थे। तो इसको लोग पहाड़ों से तुलना करके बताते हैं कि मानो दूर पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ हैं दूर में, और आप यहां से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि एक पहाड़ के बाद तो जस्ट दूसरा पहाड़ है। ठीक है, क्योंकि आप काफी दूर से देख रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पर चले गए तो पता चलेगा कि पहले वाले पहाड़ और दूसरे वाले पहाड़ के बीच में बहुत अंतर है, तो दोनों के बीच समय का बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेसी, मतलब दूर से जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एक ही समय की बात है, लेकिन पास जाकर देखा तो पता चला लंबा गैप। तो वे जो भविष्यवाणियां करते थे तो आमतौर पर दंड की भविष्यवाणियां किया करते थे, क्योंकि लोग नहीं सुधरते थे। अब जब दंड की भविष्यवाणी आ रही है तो निकट भविष्य में वो पूरा होता था, और आमतौर पर अगर वो भविष्यवक्ता इज़राइल के विषय भविष्यवाणी कर रहा है तो जो दंड निकट भविष्य में जो दंड आने वाला है वो दंड आपको आ रहा होगा, नेक्स्ट पेज, वो दंड आ रहा होगा असुर के हाथों। ठीक है, इसी के लिए वार्निंग दी जा रही है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो ये दंड आएगा। यशया में आपको कई बार अश्शूर का नाम मिलेगा, परमेश्वर उसमें इस्तेमाल करता है, अश्शूर मेरे क्रोध का लठ है, सोटा है, मतलब मैं अश्शूर के हाथों तुम्हें मारूंगा, जो छड़ी मैं इस्तेमाल करूंगा वो अश्शूर होगा। और अगर यहूदा में अगर कोई भविष्यवक्ता है और दंड की भविष्यवाणी कर रहा है तो जिस बात की वार्निंग वो दे रहा है वो ये है कि बेबीलोन आएगा और तुमको गुलाम बनाकर ले जाए, इसी आशय की भविष्यवाणियां वे लोग करते थे। तो निकट भविष्य में, यहां से ज्यादा दूर नहीं, निकट भविष्य में एक भविष्यवाणी की पूर्णता होगी, लेकिन ये सुदूर भविष्य में भी एक दंड की भविष्यवाणी है, क्योंकि सुदूर भविष्य में वो अभी अंत के दिनों में घटित होगा। अभी वो समय आने वाला है जब इज़राइल के लोगों ने, यहूदा के लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने यीशु को मसीह करके ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उनके लिए तो छुटकारे की बात है, परंतु जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया उनके लिए एक मसीह विरोधी भेजा जाए, और मसीह विरोधी जब आएगा तो लोगों को बहुत सताएगा। तो निकट भविष्य में अगर अश्शूर की बात है तो सुदूर भविष्य में वो मसीह विरोधी का रूप है, अगर बेबीलोन की बात है तो सुदूर भविष्य में वो मसीह विरोधी का रूप है। ठीक है, अगर ये अश्शूर है, अगर ये बेबीलोन है निकट भविष्य में, तो यहां दूर भविष्य में ये है मसीह विरोधी। ठीक है, लेकिन अगर मसीह विरोधी की बात है तब तो मसीह की भी बात होनी चाहिए, और जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के केंद्र बिंदु जो है वो खुद यीशु मसीह है, क्योंकि हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके अध्याय 19 और उसके पद 10 को देखिए, हम उसके आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे, जहां पर यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है वो
दर्शन देख रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है और उसको बहुत सारी बातें बताई जा रही। तो उन दिनों में उसने स्वर्गदूत को दंडवत करना चाहा जो उसको बहुत सारी बातें बता रहा था, तो उसको मना किया गया और स्वर्गदूत ने उसको कहा, आखिरी में आखिरी के तीन लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखता है, परमेश्वर ही को दंडवत कर क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ठीक है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मैं जब इसको पढ़ता था तो मैं नहीं समझता था, मुझे लगता है कि लगता था कि जब हम यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं तो मानो ये भविष्यवाणी करने के बराबर, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसको जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है ना, उसका अर्थ है कि जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है वो यीशु की गवाही है। ठीक है, भविष्यवाणी की आत्मा का अर्थ है कि जो भविष्यवाणी का मूल तत्व है वो यीशु की गवाही। जैसे हम लोग कई बातों की आत्मा के विषय बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं संगीत की एक आत्मा होती है, संगीत की कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन जो संगीत का मूल तत्व है, जो उसका मूड था, हमने उसके विषय में कहा, अरे उछल के गाने वाला गीत था और आप ऐसे करके गाए, है ना, उसका मूड था, उसकी आत्मा थी, आनंद 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 कीजिए, लेकिन आप ऐसे गए तो आपने उसकी आत्मा को मार डाला। असल में उसकी कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन कहने का अंदाज। उसी प्रकार भविष्यवाणी की आत्मा, तो जो भविष्यवाणी का मूल तत्व, उसका केंद्र बिंदु यीशु की गवाही है। तो जितने भी भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वे चाहे जो भी भविष्यवाणी करें, उसके केंद्र में यीशु मसीह होता था। ठीक है, तो वे लोग जब भविष्यवाणी कर चुके थे कि ये लोग नहीं सुधर रहे हैं तो दंड होगा, लेकिन तब परमेश्वर उनको बताता था कि एक व्यक्ति होगा जो उनको आकर छुड़ाएगा और वो मसीह होगा, और साथ में वे मसीह के विषय में भविष्यवाणी करना आरंभ करते थे। ठीक है, मसीह के विषय में भविष्यवाणी करना आरंभ करते थे और ये कहते थे कि एक छुड़ाने वाला आएगा और वो छुड़ाएगा और उसका एक अपना राज्य भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, जब यीशु मसीह पहली बार यहां पर आए तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य ही का प्रचार किया और परमेश्वर का राज्य बकायदा यहाँ पर सेट भी किया, सेटअप भी किया, स्थापित किया, लेकिन उसका राज्य अभी आत्मिक है। लेकिन जब वे भविष्यवाणी करते थे तब इस बात को बताते थे, जो बातें थी वहां पर मानो भौतिक बातें थी और भौतिक ही बातें होनी होंगी, क्योंकि हम लोग उसको जब पढ़ेंगे तो उसको आत्मिक रूप से हम अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे उदाहरण के लिए यशया की पुस्तक में आइए और उसके अध्याय 65, यशया की पुस्तक और उसके अध्याय 65, यहां पर जो यीशु मसीह के आने के बाद जो एक राज्य स्थापित किया जाएगा, उस राज्य के विषय में कुछ भविष्यवाणी थी। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्या इस बात को हम आत्मिक रूप से अभी समझे या भौतिक रूप से होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको जान सकते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, पद 18 से देखिए, पद 65 के 18 लिखता है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हो उसके कारण तुम हर्षित हो और सर्वदा मगन, सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम को के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे वगैरह। तो यहां पर जो बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं वो ये है, यहां पर लिखता पद 20 में, उसमें न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर। मतलब कहना यह है कि उसके राज्य में लोगों की आयु लंबी हो जाएगी, जो लड़कपन में मर जाता वो मानो 100 वर्ष का होगा तब जाके मरेगा, तो उसकी आयु लंबी होगी लेकिन मरेंगे। तो अगर मरेंगे तब तो यह तो स्वर्ग नहीं है, वहां तो कोई नहीं मरेगा। और दूसरी बात है, लिखता है कि परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा, मतलब उस राज्य में पापी भी कहीं से प्रवेश पा सकते हैं लेकिन 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा पापी। अब ये तो आत्मिक राज्य नहीं हो सकता, आत्मिक राज्य में पापी कहां से होगा, स्वर्ग में नहीं हो सकते क्योंकि पापी वहां से कहां से होगा। मतलब इस धरती पर ही एक राज्य के विषय में बातें हैं जहां पर ये बातें हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार आपको बीच में ऐसी अच्छी भविष्यवाणी मिलेंगी पुस्तकों के बीच में, तो वो
मसीह के राज्य के विषय में है जो अभी भौतिक रूप से पूरी नहीं हुई लेकिन उसके द्वितीय आगमन पर पूरी होंगी, जिसको प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में हजार वर्ष का राज्य कहा गया है। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग हजार वर्ष के राज्य के विषय में भी देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो लिखा है उसके विषय। तो यहाँ पर एक हजार वर्ष के राज्य का जिक्र है, हजार वर्ष का राज्य। तो जब भी एक पुनर्स्थापना की बात होती है कि उनको दंड देगा लेकिन मसीह आएगा और मसीह उनको फिर से पुनर्स्थापित करेगा और जब करेगा तो एक अच्छा राज्य हो जाएगा, तो वो हमेशा इस राज्य के विषय में बोलते थे क्योंकि यीशु मसीह आया इस धरती पर उसने राज्य किया, लेकिन वो राज्य उस प्रकार का नहीं था जिसको हम लोग यहाँ से आत्मिक अर्थ निकाल कर बातें करें। ठीक है, हम आत्मिक अर्थ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सोचिए पद 25 को देखिए, यहाँ पर लिखा है भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। अब बताइए इसका आत्मिक अर्थ हम निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे, सांप मतलब क्या होगा, मान लिया हम कहें सांप मतलब शैतान होगा, तो शैतान भी साथ में रहेगा क्या। अगर दूसरी जगह की भविष्यवाणी निकालेंगे ऋषय 11 अध्याय, जहां पर भी उसी बाद वाले राज्य की का जिक्र है, उसके अध्याय 11 और पद 6 से देखिए, यहाँ लिखता है तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, गाय और बिछली मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। बताइए इसको आत्मिक अर्थ लेना चाहे तो क्या बोलेंगे, नाग और करैत, तो हम क्या बोले, सांप और दुष्ट लोग भी वहां रहेंगे और साथ साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, है ना। हम वैसे नहीं कह सकते, तो ये एक प्रकार की हकीकत है जहां हकीकत का सांप होगा, हकीकत का करैत होगा, हकीकत का नाग होगा, लेकिन वे काटेंगे नहीं। हालेलुया, हम लोग उस राज्य में होंगे, लेकिन जब हम लोग उस राज्य में होंगे तो वचन कहते हैं कि हम लोग राज्य करेंगे। तो ये सुदूर भविष्य की भविष्यवाणी है, कई बार आपको ये मिलेगा और आपको कई जगह इसका उदाहरण मिल सकता है। रेफरेंस के लिए मैं जैसे आपको बता दूं, आप कई बार जब अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां पढ़ने लगे तो समझ जाइएगा कि वो इधर की भविष्यवाणी है। जैसे यशया अध्याय 4 में भी आप देख सकते हैं पद 2 में, तो वहां पर लिखता है उसी समय इज़राइल के बचे हुए लोगों के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। यहोवा की डाली अर्थात यहोवा की डाली, इन दैट डे द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड, ब्रांच ऑफ द लॉर्ड मतलब वो मसीह के विषय कह रहा है, यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यिशै का बेटा हुआ दाऊद, दाऊद के वंश से आया मसीह, तो ब्रांच ऑफ द लॉर्ड ये यीशु मसीह के विषय में है। और ये जो यहोवा की डाली होगी वो क्या ठहरेगी, भूषण और महिमा ठहरेगा। और उसके बाद आप पढ़ते जाइए तो बड़े आशीष की बात है। ठीक है, और लिखता है उस समय से शुरू होता है और इंग्लिश में लिखा इन दैट डे, उस दिन। ठीक है, मतलब एक ऐसे समय के विषय की भविष्यवाणी है जब मसीह उनके लिए ऐसा ठहरेगा। तो ऐसी भविष्यवाणी आपको बार बार मिलेंगी, बहुत सारी पुस्तकों में मिलेंगी। तो ये भविष्यवाणी भी है जहां आशीष की बात है। साथ साथ में वे लोग ये भी भविष्यवाणी करते थे, जैसे बेबीलोन वालों के साथ कि ये लोग ये भी भविष्यवाणी करते थे भविष्यवक्ता कि लोग रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे। जैसे कि यशया की पुस्तक में भी आपको भविष्यवाणी मिलेगी कि एज्रा के समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जिसका नाम होगा कुसरू, जो यशया 45वें अध्याय में आपको मिलेगा। और उसी प्रकार अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक में भविष्यवाणी पढ़ें तो आप पाएंगे कि वे लोग लौट कर आएंगे इसकी भविष्यवाणी। और उसी प्रकार ये हेजकेल की पुस्तक में आप भविष्यवाणी पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर उनको वापस बुलाएगा, पुनर्स्थापित करेगा। ये हेजकेल क्या देखता है, एक दर्शन देखता है और देखता है कि एक सूखी हड्डियों से भरी हुई घाटी, और यहोवा का आत्मा उसको पहुंचा देता है, उसको पूछता है कि मनुष्य के संतान बता क्या यह हड्डियां जी सकती है। हेजकेल कहता है कि प्रभु तू ही जानता है। फिर परमेश्वर उसको भविष्यवाणी करवाता है, यहेजकेल अध्याय 37 में यह वर्णन है। और जैसे जैसे भविष्यवाणी करने लगता है हड्डी से हड्डी जुड़ गई,
मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, सब कुछ हो गया और बड़ी सेना तैयार हो गई। और तब परमेश्वर ने कहा कि देखो इज़राइल और यहूदा की दशा इसी प्रकार से है, अशूर के हाथों तो ऑलरेडी गुलाम हो चुके हैं, अब बेबीलोन के हाथों ऐसे ही होने वाला है, मानो उनका नाम और निशान मिट जाएगा, मानो मरे हुए से हो जाएंगे। लेकिन जो भविष्यवाणी मैं तुमसे करवा रहा हूं उसका अर्थ ये है कि वे मरे हुए से लोग मानो कब्रों में से लौट कर आएंगे। मतलब इज़राइल और यहूदा हमेशा के लिए नष्ट नहीं होगा लेकिन फिर से स्थापित होंगे, फिर से लौट करके आएंगे। तो वे लौट कर आने की भविष्यवाणियां करते थे और लौट के जब आएंगे उस समय इज़राइल और यहूदा मिलकर एक ही देश हो जाएंगे। और ये भविष्यवाणी पूरी हुई 536 ईस्वी पूर्व में, जब इज़रा की अगुवाई में लोग लौटे, जरुब्बाबेल की अगुवाई में लौटे, जिसका वर्णन इज़रा की पुस्तक में है। ठीक है, लोग लौट करके आए जिसका वर्णन आपको मिलेगा इज़रा की पुस्तक में। ठीक है, इज़रा की पुस्तक में दो भाग मिलेंगे, एक जो जरुब्बाबेल की अगुवाई में लोग लौटे और बाद में इज़रा की अगुवाई में भी कुछ लोग लौटे। ठीक है, तो ये लोग लौट के आए उसकी भविष्यवाणी यहां पर है। और उस भविष्यवाणी को कुछ लोग अभी के लिए भी कोट करते हैं जब इज़राइल फिर से बिखेर दिया गया था। देखिए वे लोग लौट के आने वाले थे, उस समय मसीह का वर्णन था, तो वे जब लौट करके आए तो जो राज्य बना उसी के दरमियान मसीह आया। ठीक है, मसीह आया उसका 70 ईस्वी में फिर से बिखर गए, फिर से बिखर गए। और उसके बाद जब लौट के गए उनको अपना देश मिला अभी 1948 इज़राइल का देश, अभी का जो इज़राइल का देश है उसके पहले लोग बिखरे हुए थे 70 ईस्वी के बाद। और ऑफिशियली उस जगह को पलिस्तियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, पलिस्तीन। और अभी 1948 में उनको देश डिक्लेयर किया गया संयुक्त राष्ट्र की तरफ से और वे वहाँ पर लौट करके अपना देश में लौट गए। फिर भी बहुत सारे इजरायली और यहूदी बिखरे हुए संसार। तो ये पूरी दास्तान है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की, आमतौर पर ऐसे ही। फिर से एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ, भविष्यवक्ता यहाँ पर है, सारी स्थिति को देखता है, भविष्यवाणी करता है, दंड की भविष्यवाणियां भी है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे दंड आएगा, यहाँ के लिए भी साथ साथ में बोलता जाता है। फिर बोलता है एक सुधारने वाला होगा मसीह, और जब मसीह के विषय में बोलता है तो पहले आगमन दूसरे आगमन दोनों के विषय बोलता है। फिर मसीह के विषय में बताता है कि एक राज्य होगा उसका, बहुत अच्छा राज्य, तो यहाँ के विषय में है और यहाँ के आत्मिक राज्य के विषय में भी थोड़ा बहुत वर्णन मिलेगा। इसके साथ में ये भविष्यवाणी मिलेगी कि ये लोग भले ही गुलामी में चले जाएं लेकिन लौट कर आएंगे, और लौट कर आना इज़रा की पुस्तक में लिखा गया है जब वे लोग अपने निर्वासन से लौट कर वापस आए, ये वर्णन यहाँ पर है। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें आमतौर पर यही कहानियाँ बताती हैं और मैंने उसमें से कुछ नाम अलग कर दिए थे, मैं उनको अलग से बताऊँ। तो फिर भी हम लोग जो आउटलाइन है ज़रा ज़रा सा देख लें, आपको दे दिया जाएगा इसलिए शायद आपको लिखना ना पड़े। यशायाह की पुस्तक से डिस्प्ले कीजिए पेज नंबर 71, वहाँ पर जब मैं आपको उस नोट्स को, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको उसको समझने का तरीका बता देता हूँ। देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पर जब दूसरा दिन अध्ययन किया था बाइबल की व्याख्या कैसे करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि संदर्भ के साथ व्याख्या करें। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इतिहास और संस्कृति का नियम, क्या इतिहास चल रहा था। फिर मैंने एक और बताया था प्राथमिक पाठक का नियम, मतलब जो उस समय के शुरुआती पढ़ने वाले थे जिन दिनों में लिखा, मानी पुस्तक लिखी गई तो कुछ तो लोग होंगे जिनको भेजा गया, जो पहले रीडर थे उनके लिए जो अर्थ होगा वही अर्थ हमारे लिए होगा। तो पहले हम उस रीडर को जानते हैं, पहले पाठक कौन लोग थे या पहले श्रोता कौन लोग थे जिनको भविष्यवाणी बताई जा रही है, और हम समझेंगे कि उन पर क्या अर्थ है, बाद में हम अपने पर देखेंगे कि हम पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे आप यशायाह की पुस्तक को देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर प्राथमिक पाठक यहूदा के लोग, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है यहूदा के लोग हैं या इज़राइल के लोग हैं, आपको सुविधा हो। और साथ में यहाँ पर उसके लिखे जाने का समय भी मैंने लिख दिया है और लिखे जाने का स्थान भी मैंने लिख दिया है। और जो यशायाह की पुस्तक है, जो थियोलॉजियन है उनका कहना है कि ये मिनी बाइबल है, उसमें 66 अध्याय हैं, जैसे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, और जैसे 39 पुस्तकें पुराने नियम में 27 नए नियम में, उसी प्रकार से यशायाह की पुस्तक का प्रारूप भी है। उसके 39 जो अध्याय हैं वो इज़राइल और अन्य जातियों को डील करते रहते हैं और खास तौर पर उन पर दंड की भविष्यवाणी करते रहते हैं, और साथ साथ में उनको सुदूर भविष्य में शांति की बात भी बताते रहते हैं। ठीक है, मसीह और हजार वर्ष की भविष्यवाणी उनको बताते रहते हैं।
फिर अन्य जातियों के न्याय के विषय में बताते हैं, और फिर नीचे दूसरे भाग में शांति के वचन आपको मिलेंगे, जब अध्याय 40 से आगे 1 से लेके 39 तक दंड और मसीह के आगमन की कुछ कुछ झलक दिखाई देंगी, और उसके बाद इधर शांति से संबंधित बातें, जब इज़राइल का छुटकारा होगा, छुड़ाने वाला मसीह का वर्णन है, उसके महिमा में राज का वर्णन है। यशया तो अंतिम जो नया आकाश नई पृथ्वी है उसके बारे में भी लिख देता है, तो मिनी बाइबल की तरह ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बांटा हुआ है, आप यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे 13-14 का मतलब है अध्याय 13 से 14, अध्याय 21 के 1 से 10 कौन सी पुस्तक, ये तो यशया चल रहा है, ठीक है। तो जो पुस्तक चल रही है, तो मैंने उसके पुस्तक का नाम नहीं लिखा कि किस पुस्तक का कौन सा अध्याय, क्योंकि पुस्तक यशया है। यहाँ नेक्स्ट पुस्तक दिखाइए, यिर्मयाह, यिर्मयाह की पुस्तक, और थोड़ी मुश्किल हो रही है क्या, कोई बात नहीं। तो जब हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक देखेंगे तो अच्छा, इसी का नेक्स्ट पेज भी अगर आप देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर मसीह से संबंधित भविष्यवाणियों को लिखा है, आप लोग बाद में देख लेंगे। यशया 7:7 में मसीह, आने वाले मसीह के विषय भविष्यवाणी करता है कि मसीह जब आएगा तो कैसी कैसी बातें होंगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यशया 7:14 में, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी। तो वो भविष्यवाणियां जो भविष्यवाणी उस समय हो रही थी, जो भविष्यवाणी उस समय हो रही थी, वो तत्काल के लिए भी था और बाद के लिए भी था, ठीक है। तो तत्काल के लिए जो था वो उस समय के राजा आहाज के लिए था, आहाज के समय के लिए था, और जो बाद के लिए था वो मसीह में पूरा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां वो करता है यशया की पुस्तक में, उसका वर्णन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप लिस्ट में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे है मसीह की भविष्यवाणी, बहुत सारी भविष्यवाणी है, उसमें से मैंने 12 का लिस्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो ये यीशु मसीह के विषय में सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां यशया की पुस्तक में आपको मिलेंगी, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा भविष्यवाणियां भजन संहिता की पुस्तक में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी भविष्यवाणियों का वर्णन होगा, और ये रेफरेंस आपको बताएंगे आने वाले 1000 वर्ष के राज्य के विषय में, ये जो अध्याय और पद हैं, और नया आकाश नई पृथ्वी के विषय में भी लिखा जाएगा। और यशया, जैसे हमने शुरू में हेडिंग लिखा था उद्धार की पुस्तक, वहाँ उद्धार शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर उद्धार का सोता, वहां पर लिखा है तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। ऐसे उद्धार की बहुत सारी बातें वहां पर मिलेंगी, बहुत कोट किया गया उद्धार संबंधित, ये उद्धार की पुस्तक। अब हम लोग नेक्स्ट यिर्मयाह जाएं, यिर्मयाह का जो प्रारूप है, उसका जो प्राथमिक पाठक है या जो फर्स्ट ऑडियंस है, वे लोग यहूदी हैं, और उसका जो लेखक है, कहते हैं कुछ लोग कि बारूक ने लिखा, जो यिर्मयाह का लिखने वाला था, यिर्मयाह बोलता था, बारूक लिखता था, ठीक है। तो खैर, किसी ने भी लिखा, यिर्मयाह के नाम पर पुस्तक है। उसमें भी दो भाग है, पहले भाग में उनको दंड दिया जाता है बेबीलोन के हाथों, दूसरे भाग में बताया जाता है कि वे लोग लौट कर आएंगे, ठीक है। तो जहां तक आप दंड पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए, ये रूप याद रखिए, यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह भविष्यवाणी करता, सोचता लोग क्यों नहीं सुधर रहे, क्यों नहीं सुधर रहे। तो परमेश्वर उनको बताता है कि यहूदा का पाप, यिर्मयाह 17वें अध्याय में अध्याय 17, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा है, उनके हृदय की पत्थर रूपी पट्टियों पर लिखा है, मतलब हृदय की पट्टियों पर लिखा होता है, इतना कठोर है वे लोग, पत्थर का हृदय है, उस पर लिखने के लिए लोहे की नोक हीरे की टांकी से लिखना पड़ा। उसमें लिखा क्या है, पाप लिखा है, तो पाप लिखा तो पाप कर रहे हैं। फिर उसी अध्याय 17:9 में बताया कि मन में तो असाध्य रोग लगा है, ठीक है, और परमेश्वर मन को जांचता और हृदय को देखता है, उसके अनुसार दंड देता है। और तब परमेश्वर उनको भविष्यवाणी करके बताता है कि अध्याय 33 में कि अभी तो ये लोग पुरानी वाचा में इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नई वाचा होगी, एक नई वाचा मैं उनसे बांधूंगा कि मैं अपना वचन उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके मन में समवाऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे, ठीक है। और ये भविष्यवाणी आज हमारे जीवन में पूरी होती है। तो जब यिर्मयाह की पुस्तक में वो भविष्यवाणी है, पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा अध्याय 30 से लेकर 33,
तो उसी के दरमियान आप नई वाचा की भविष्यवाणियों को भी पाएंगे, जो भविष्यवाणियों का फायदा आज हम लोग उठा रहे हैं। और उसके बाद वे लोग अन्य जाति राष्ट्रों पर भी, जो लोग अन्य इसराइलियों को दंड देंगे उनको भी न्याय किया जाएगा, वो भविष्यवाणी की गई। यह जिकल की पुस्तक, और अगर आप देखें तो इसके, अच्छा इसके जस्ट बाद है विलाप गीत, ठीक है, एक गीत की पुस्तक है जिसमें 5 गीत हैं। अब देखिए ये जो यिर्मयाह है वो एक ऐसा नबी है जो उनके विनाश से पहले भविष्यवाणी कर रहा है, अब फिर विनाश हो जाता है। जब विनाश हो जाता है तो यरूशलेम को अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देखता है, मंदिर को अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देखता है, और उसको बड़ी तकलीफ होती है कि जो जो मैंने कहा था वो पूरा हो। तो जो अपनी तकलीफ थी उसको उसने गीत बनाकर लिख दिया, और जब गीत बनाकर लिखा तो वहां पर आप पढ़ेंगे तो आप ये पा सकते हैं कि यरूशलेम की क्या दशा हुई थी, और यिर्मयाह की स्मृति से उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। तो अगर आप जैसे पतन के बाद यरूशलेम की दशा आप देखना चाहते हैं, अध्याय 4 और उसके पद 10, वहां आप मत डिस्प्ले कीजिए, डिस्टर्ब मत होइए, हम लोग पढ़ लेंगे। तो अध्याय 4 और उसके 10 को अगर हम लोग पढ़ें तो वहां पर इस बात को लिखा गया था कि जब बेबीलोन के लोग आए और उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया तो उनके पास खाने पीने की समस्या हो गई, और धीरे धीरे लोग भूख से मरने लगे, और सबसे पहले जो लोग मरे वे लोग उनके बाल बच्चे थे, और बाकी लोग जिंदा रहने के लिए जो लोग मर गए उनका मांस खा गए। यहां पर ऐसा लिखा है 4:10 में लिखता है, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार हो गए। ये लोग पुरानी वाचा से बंधे हुए थे, स्मरण रखिए। और व्यवस्था विवरण 28 में लिखा गया था, भविष्यवाणी थी, यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने बेटे बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। उन्होंने नहीं माना, नहीं माना तो श्राप हूबहू पूरा हो गया, उनको अपने बाल बच्चों को पका कर खाना पड़ा, उनके साथ पकाए रहे हो। और ये सब का गवाह था यिर्मयाह, जिसने इस गीत को लिखा जिसका नाम है विलाप गीत, लिखा था यिर्मयाह। इसके बाद है यहेजकेल की पुस्तक, और यहेजकेल की पुस्तक जब आप देख रहे हैं तो इसके प्राथमिक पाठ है, तो यहेजकेल के बारे में जानना है। बेबीलोन की जो गुलामी है कई चरण में हुई, पहले चरण में कुछ लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया बेबीलोन, फिर कुछ लोगों को, ऐसे करके फाइनली 586 ईस्वी पूर्व में। तो जो यहेजकेल है वो पहले ही किसी ग्रुप में चला जा चुका है, उसके साथ कई यहूदी पहले ही गुलाम जा चुके हैं। अब जिन यहूदियों के साथ में है बेबीलोन के भीतर, वहां पर वो दर्शन देख रहा है, वहां पर वो भविष्यवाणी कर रहा है। तो इसलिए इसके जो ऑडियंस है, श्रोता है, वे बेबीलोन के यहूदी गुलाम है, और ये यहूदी लोगों के नाम से, और जो स्थान है, लिखने का स्थान है, वो बेबीलोन है, लेखक है यहेजकेल, और इसमें ज्यादातर दर्शन दिखाए गए उसको, और दर्शन दिखा दिखा कर उसको बताए गए संदेश, और उसको उसने लिखा है। उसमें बकायदा वो देखता है कि जो परमेश्वर का तेज है यरूशलेम से निकलता है, उसके मंदिर से निकलता है, उसके परम पवित्र स्थान से हट जाता है, उसके पवित्र स्थान से हट जाता है, उसके आंगन से हट जाता है, और वहां से आगे जैतून पर्वत पर चला जाता है, हट जाता है। मतलब परमेश्वर यरूशलेम पर अपने मंदिर पर तरस नहीं खाएगा, लेकिन वो उसको छोड़ रहा है ताकि दंड आ सके। यहेजकेल इन दर्शनों को यहाँ से देखता है कि वाचा के संदूक से मंदिर की देवड़ी तक परमेश्वर के तेज का पलायन हो जाता है, फिर देवड़ी से करुबों तक, करुबों से पर्वत तक, और फिर आउट, मतलब अब मंदिर का भी नष्ट होना है। वो उधर बेबीलोन में क्या और यरूशलेम में क्या हो रहा है उसको मानो यहाँ पर यहूदियों को बता रहा है, ठीक है, दूर में है, कोई टेलीविजन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, और वो बता रहा है कि देखो क्या होने वाला है वहां, मानो साक्षात देख रहा है ऐसे, और सांकेतिक रूप से उसको दिखाया जाता था, और उसी हिसाब से वो भविष्यवाणी करता जाता था। और जिन लोगों ने दंड के कभी, जिनके वजह से इज़राइल पर दंड पड़ा उनको भी दंड मिलेगा, और लेकिन आशा का संदेश देता है कि लोगों को फिर से स्थापित किया जाएगा, और मंदिर जहां से परमेश्वर का तेज निकल गया मंदिर फिर से होगा, और परमेश्वर का तेज फिर से मंदिर में आएगा, अध्याय 43, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, यहेजकेल की पुस्तक के बाद दानियल की पुस्तक। ये जो दानियल की पुस्तक है वो जरा यूनिक है, ठीक है, ये बाकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के समान नहीं है। दानियल की पुस्तक दो भाग में है,
पहले भाग में अच्छा दानियल की पुस्तक का समय क्या है, तो दानियल भी यहेजकेल के समय का ही है, उसको भी गुलाम बनाकर बेबीलोन पहुंचा दिया गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन था कि परमेश्वर जब लोगों को दंड दे रहा है तो वो देख रहा है कि कौन सही है कौन नहीं है। जो नहीं है उसको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन जो सही है परमेश्वर उसको बचाएगा। और दानियल और उसके तीन मित्र वे लोग सही थे, तो इसलिए वे लोग गुलाम देश में जाने के बावजूद परमेश्वर के अनुग्रह में पाए गए और वहां पर उन्नत होते चले गए। सोचिए वे गुलाम बनकर गए हैं, ये लोग राज खानदान के थे और आमतौर पर उन दिनों में जो राज खानदान के होते थे उनको उनके राजा विरोधी राजा मार दिया करते थे, क्योंकि ये लोग सिर उठा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, इनको कुछ समझदारी है, मार दिया करते थे। लेकिन दानियल और उसके मित्रों को छोड़ दिया गया, जिंदा रह गए, और जिंदा रह गए और वहां गुलाम देश में ऊंचे ऊंचे पदों में चले गए। पहले तो बेबीलोन ने गुलाम बनाया, तो बेबीलोन के राजा के दिनों में ऊंचे पद में चले गए। और कहानी जो चलेगी कई बार चलेगी और एक ही टाइप की चलेगी, और कहानी ये चलेगी कि पहले तो उनको कोई परीक्षा आती है, कोई सिचुएशन आता है, परिस्थिति होती है जिसमें उनको मरने की नौबत आती है, लेकिन परमेश्वर की सहायता से उस परिस्थिति पर जयवंत हो जाते हैं, और जब जयवंत हो जाते हैं तो अन्य जातियों के बीच में उनकी बड़ी महिमा होती है। बार बार ये कहानी रिपीट हो, आपको जैसे पहली कहानी कि अन्य जातियों के बीच में इनकी प्रतिष्ठा, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, पांचवी, छठवीं, ऐसे हमेशा ऐसे होगा। जैसे सिंहों के मांद में डाल दिया गया, मरने की नौबत आई, लेकिन परमेश्वर की सहायता से जयवंत हो गए, और जब सिंह के बाहर आ गए तो राजा दंडवत कर रहा है, सोने की माला पहना रहा है वगैरह, हमेशा ऐसा सिचुएशन। और ये दानियल है, दानियल ऐसा व्यक्ति है कि जो चार राजा उनके समय में रहा, पहले वो बेबीलोन के राजा के समय में रहा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, फिर बेलशस्सर राजा के समय में रहा जो बेबीलोन का ही राजा है, फिर वो दारा राजा के समय में रहा जो कि मादी राजा है। तो जो घटनाएं हैं वो ऐसी, ये मिटाया कैसे जाए, जस्ट ओके, हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर बेबीलोन वाली गुलामी है, बेबीलोन की गुलामी 586 ईस्वी पूर्व में हुई संपन्न हो, इसी से ओके थैंक यू। ओके, तो बेबीलोन पहले तो यहूदा को गुलाम बनाता है, उसके राजा होते हैं नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर का एक और बेटा था जिसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया है, फिर उसका बेटा बेलशस्सर, ये लोग राजा बनते हैं, और बेलशस्सर के समय में बेबीलोन को जीत लेता है मादी राजा जिसका नाम है दारा, ठीक है। उसके बाद मादी राजा ज्यादा समय तक नहीं कायम रहते हैं, दारा के समय में ही दानियल को सी की मांद में डाला गया था। तो दारा राजा के ठीक बाद एक और राजा आता है जो है फारसी राजा, ठीक है, और इस राजा का नाम होता है कुसरू। यह है दारा और यह है नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर। तो जब आप दानियल के पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि दानियल इसके दिन में भी रहता है, इसके शासनकाल में ऊंचे पद में, इसके शासनकाल में ऊंचे पद में, इसके शासनकाल में ऊंचे पद में, और कुसरू राजा के पहले वर्ष तक रहा ऐसा दिखता है। और कुसरू के विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में अन्य जाति राजा होगा जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, और कुसरू के समय में दानियल रहता है, और इसी के समय में इजरायली वापस अपने देश लौटते हैं निर्वासन से। 70 वर्ष उनको कहे गए थे कि 70 वर्ष गुलाम होने के बाद वे लोग वापस लौटेंगे, यिर्मयाह के 29:10 में लिखा है 70 वर्ष की गुलामी के बाद रिटर्न आएंगे। तो इसी कुसरू राजा के समय में लोग रिटर्न आए, तो जब तक वे लोग वापस नहीं आए तब तक दानियल इन राजाओं के समय में रहा, बेबीलोन के अधीन रहा, मादी के अधीन रहा, फारसियों के अधीन रहा, और वे लोग वापस आ गए। लेकिन दानियल वापस आया इसका कोई जिक्र नहीं, हो सकता है मर गया हो कुसरू के पहले वर्ष में,
लेकिन खुसरू ने अपने राज्य के दरमियान आज्ञा दी और लोग लौटे। तो जो दानियल की पुस्तक है उसका पहला हिस्सा इसी इन्हीं राजाओं के समय का है, और उसमें है कि हमेशा इनको कोई सिचुएशन होती है, परेशानी होती है और लोग नीचे दिखाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से ऊंचे उड़ जाते हैं। हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं, हम लोग भी एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रहती, लेकिन अगर परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को ऐसी दया दिखा सकता है तो हम नए नियम के लोग हैं, वो हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाएगा? हम लोग परिस्थितियों से ऊपर क्यों नहीं उठाए जा सकते? क्यों हम लोग उत्तम स्थानों पर नहीं पहुँच सकते? दानियल बड़ा अद्भुत है। उसको पहले तो यहूदा में रहना था, वहाँ की जो राजभाषा थी वो इब्रानी भाषा थी। इब्रानी में पढ़ा लिखा होगा, इब्रानी में सब कुछ किया होगा, शायद वो 10 साल का था होगा, तब गुलाम बनकर चला गया बेबीलोन। अब बेबीलोन की भाषा सीखकर वहाँ के शास्त्रों को पढ़ाया गया उसको, अध्याय 1 में लिखा है, वहाँ की भाषा में वहाँ के शास्त्रों की शिक्षा उसको दी गई। इब्रानी छोड़कर अब उसको आरामी सीखना है और वहाँ की भाषा सीखकर वहाँ की किताबों को पढ़कर पास होना है। राजा बकायदा स्टाइपेंड दे रहा है, हालेलुया, हॉस्टल दे रहा, खाने का ऑफर दे रहा है। दानियल ने कह दिया हम लोग शाकपात ही खाएंगे, क्योंकि पता नहीं तुम लोग क्या क्या मीट खाओ ना, इनकार कर दिया। और वहां पर अन्य जातियों के देश में उनकी भाषा में उनकी किताबों को पढ़ रहा है, और वचन कहता है कि वहां पर वो टॉप हो गया, हालेलुया, टॉपर बन गया वहां। और उसका जब टेस्ट लिया गया राजभवन में, राजभवन में सबसे एक्सीलेंट लोग, किसी भी विषय के सबसे प्रकांड जानकार लोग राजभवन में पाए जाते थे, राजभवन में वहां पर लाया गया, तो बताया गया, ये पाया गया कि ये वहां पर जितने भी लोग थे राजभवन में प्रकांड पंडित, उनसे 10 गुना अधिक निपुण ठहरते थे। हालेलुया, मतलब उस देश में सोचिए, आपको सोचिए कि चाइना भेज दिया जाए, ठीक है, चीन भेज दिया जाए, चीन की भाषा सीखिए, चीन की भाषा में पढ़ाई कीजिए और चीन के लोगों से कंपटीशन कीजिए और वहाँ टॉप हो जाइए यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो एक से एक्सीलेंट प्रोफेसर लोग हैं जिनको वहाँ की सरकारें कंसल्ट करती हैं, उनसे भी आप 10 गुने अधिक निपुण हो जाइए। कोई आसान बात है क्या? दानियल के साथ में ऐसे ही। तो मैं पूछता हूँ कि जब पुराने समय में दानियल के साथ ऐसा हो सकता है, पुराने समय में यूसुफ के साथ ऐसा हो सकता है जिनके लिए मानो जानवरों ही का बलिदान हुआ था, पुरानी वाचा के अंतर्गत आते थे, तो नए नियम में जिनके लिए यीशु मसीह मरा उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों को उस विश्वास को बटोरना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास से जय पाते हैं। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो इस बात को स्मरण रखें। जो दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग दानियल के दर्शनों का है, ठीक है, और इसमें दानियल कई प्रकार के दर्शन देखता है। जो दर्शन देखता है उसमें जो मूल बातें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा कोई जानवर देखेगा, ठीक है, कभी भालू देखेगा, कभी शेर देखेगा, चीता देखेगा, कोई कोई देखेगा, तो उसमें दर्शन देखेगा। तो जो मूल रूप से जो उसका अर्थ है, उसका अर्थ है पहले बेबीलोन के विषय में देखता है, फिर मादी फारसी राजाओं के विषय में देखता है, ठीक है, जैसे नबूकदनेज़र ने एक मूर्ति देखी सपने में, बाहें चांदी की थी, तो बाहें दो होती हैं। एक जगह अध्याय 7 में एक भालू देखता है, रीच देखता है, जो लिखता है कि एक पसली के बल, मतलब एक करवट के बल उठा हुआ था, तो कहने का अर्थ है कि एक करवट है तो दूसरा भी करवट है, तो दो भाग हैं, तो मादी फारसी उनको हमेशा कनेक्टेड बताया जाता है। इसके बाद एक तीसरा दर्शन वो देखता है, जैसे कि वो एक बकरे का दर्शन देखता है, तो वो यूनान के राज्य के विषय में है, यूनान। और उसके बाद एक और भयानक जंतु का दर्शन वो देखा करता है, वो रोम के समय का शासन, ठीक है, बेबीलोन, मादी फारसी, यूनान और रोम, ठीक है। तो हकीकत ये हुआ था कि इसके पहले तो इसराइलियों का अपना राज था, राज्य के बाद में बेबीलोन के हाथों गुलामी में चले गए, मादी फारसी राजा के हाथ गुलामी में चले गए, इसके बाद यूनान के हाथों गुलामी में चले गए, इसके बाद रोम के हाथों गुलामी में चले गए, लेकिन इस समय उनको परमिशन मिला कि अपने देश लौट सकते हैं। लौटे जरूर लेकिन इनकी अधीनता में रहे, लौटे जरूर लेकिन उनके ऊपर राजा मादी फारसी राजा थे, सॉरी फारसी राजा थे, फिर बाद में यूनानी राजा थे, बाद में रोमी शासन था, कैसर का शासन, आप याद करें यीशु मसीह के समय, और उसी दरमियान यीशु मसीह का जन्म हुआ, आगमन हुआ, तो वो इनके विषय में भविष्यवाणी करता है।
इसके अलावा आप ये भी पाएंगे कि वो अंत के समय के विषय में दर्शन देखता है, परम प्रधान को सिंहासन पर विराजमान देखता है पिता, वो यीशु मसीह को भी देखता है कि मनुष्य के संतान सा बादलों में, आकाश के बादलों में आ रहा था। तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी देखता है। तो जब हम लोग अंत के दिनों की स्टडी करेंगे तो हम लोग दानियल की पुस्तक में फिर से एक बार आएंगे। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बाकी पुस्तकों को छोड़ रहे हैं, बाकी पुस्तकें इसी रीति से आप समझ जाएं। मैं सिर्फ उन पुस्तकों को जरा सा कोट करूंगा जो इनसे अलग है, जिनका नेचर इनसे अलग है, कि यहाँ पर एक सिचुएशन है, फिर दंड की भविष्यवाणी है, मसीह है, हजार वर्ष का राज्य है, मसीह विरोधी है, ये वाले से जो अलग हैं उन संदेशों को मैं बता रहा हूँ। उसमें से है नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा योएल की पुस्तक। अभी जो योएल की पुस्तक है इसकी सिचुएशन इस प्रकार से है कि पहली बात है प्राथमिक पाठक यहूदा है, यहूदा के लोग हैं, और उन दिनों में ऐसा हुआ है टिड्डियों का दिन। तो जो वे लोग खेती करते थे उन दिनों में टिड्डियों का एक दल आया पहले। अब टिड्डियों के जो झुंड आते हैं तो लोग कहते हैं कि सूरज नहीं दिखाई पड़ता, मतलब इतनी भारी मात्रा में आते हैं कि अंधेरा छा जाता है। तो टिड्डियों का पहला दल आया और वे वहाँ पर बैठ गए वहाँ की फसलों पर, उन्होंने वहाँ की फसलों को चर लिया, उड़ गए। अब जब उड़ गए तो जो कुछ बचा खुचा रह गया था उस पर टिड्डियों का दूसरा दल आ गया और उसको चट कर गया, उड़ गया, और जो भी बचा खुचा रह गया फिर तीसरा दल आया, कई दल आ गए। तब सोचिए क्या बचा होगा, कुछ नहीं। तब पहला ही दल में कुछ बचने लायक रहा नहीं होगा, लेकिन यहां तो एक के बाद एक कई दल आ गए, तो समझिए उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। जब सारी फसल नष्ट हो गई, पूरा जो यहूदा था बर्बादी के कगार पर आ गया, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को खड़ा किया योएल, और योएल भविष्यवाणी करने लगा और कहने लगा कि ऐसी परिस्थिति से हम उभरे कैसे, परिस्थिति आई है तो हमारे पापों की वजह से, क्योंकि वाचा में ऐसा था कि जब ये पाप करेंगे तो दंड आए, तो इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोग उपवास करें, उपवास का दिन ठहराओ, प्रचार करो और सब उपवास करें, याजक उपवास करे, दूल्हा दुल्हन उपवास करे, सारे लोग उपवास करें, और वे लोग उपवास करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर उनके उपवास के कारण उसने देखा कि ये लोग फिर रहे हैं, तो उनको फिर से अच्छी खेती दिया, उसने अच्छी बारिश भेजा, अच्छी खेती हो गई, फिर से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इसी दरमियान वो दो प्रकार की भविष्यवाणी करता है, एक विपत्ति तो यहाँ आई है लेकिन एक और विपत्ति निकट भविष्य में आने वाली है, निकट भविष्य में जो विपत्ति आने वाली है वो उत्तर की सेना के द्वारा आने वाली है, अर्थात बेबीलोन के हाथों, क्योंकि ये यहूदा के लोग हैं, बेबीलोन के हाथों आने वाली है। लेकिन जब लोग फिरेंगे तो उनकी पुनर्स्थापना हो जाएगी, और सुदूर भविष्य में भी ऐसे ही होगा कि जब ये लोग नहीं समझेंगे तब प्रभु के प्रकोप का दिन होगा, कि जो टिड्डियों का दिन है उसके साथ में अध्याय दो में वो यहोवा के दिन की भविष्यवाणी करता है। उसने कहा अभी तो टिड्डियों का दिन है, उसमें दल पर दल आए और सब नष्ट करके चले गए, लेकिन एक दिन आता है जो प्रभु का दिन कहलाता है, उस दिन प्रभु का दल आएगा और वो लोगों पर विपत्ति लेकर आएगा। इसलिए सुधर जाओ आने वाले समय में, और उससे भी छुटकारा परमेश्वर उपाय करेगा अपने लोगों के लिए, और उसके बाद हजार वर्ष का राज्य होगा, ये भविष्यवाणी। और ये तीन चीजें मिक्स रहेंगी, पढ़ते समय आपको जानना पड़ेगा कि वो टिड्डियों के बारे में बोल रहा है या बेबीलोन के बारे में बोल रहा है या प्रभु के दिन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तीनों चीज मिक्स है। और इसके बाद जो इससे अलग है उसको हम लोग जाते हैं ओबद्याह की पुस्तक में, ठीक है। अब जो ओबद्याह और योना और नहूम है, ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये इज़राइल को संबोधित करके नहीं लिखी गई, इसमें हम लोग लिखे हैं कि प्राथमिक पाठक एदोम के विरुद्ध, क्योंकि पाठक तो एदोम नहीं है, लोग पढ़े नहीं, लेकिन पुस्तक लिखी गई एदोम के नाम पर। एदोम अर्थात कौन, एदोम बता सकते कौन है, नहीं बता सकते, एसाव, बिल्कुल। तो देखिए अब्राहम के दो, इसहाक के दो बेटे थे याकूब और एसाव, याकूब को तो हम जानते हैं उसका नाम बदलकर इज़राइल रख दिया गया। अब जो एसाव था उसको एसाव भी कहा जाता है, उसको एदोम भी कहा जाता है। एदोम क्यों, क्योंकि वो लाल था, ठीक है, रंग उसका जरा लाल था, जब वो पैदा हो रहा था तो लाल दिखता था,
ऐसा बड़ा मजेदार है, वो लाल आदमी है, लाल वाला आदमी है, वो बाल वाला आदमी है जो दाल के लिए अपने पहले उठे का माल बेच देता है। तो ये एदोम है। तो ये लोग इज़राइल के लगभग दक्षिण दिशा में रहते थे। तो एक ऐसे समय आया था जब इन एदोम के लोगों ने इज़राइल की सहायता नहीं की थी, बल्कि इज़राइल पर जो लोग आक्रमण कर रहे थे उनकी मदद की थी। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको दंड दूंगा। तो ये जो ओबद्या है वो कहता है कि एदोम पर दंड आएगा, एदोम पर यहोवा का दिन आएगा और इज़राइल की पुनर्स्थापना होगी। इससे संबंधित भोजन एक ही अध्याय है इसमें, तो एदोम के विरुद्ध है। अब योना की पुस्तक हम लोग देखते हैं, योना और उसके इसमें तीन अध्याय हैं। अब ये जो योना की पुस्तक है, ये जो योना है वो इज़राइल का भविष्यवक्ता है, लेकिन उसको इज़राइल में भविष्यवाणी नहीं करना है, उसको यहूदा में भविष्यवाणी नहीं करना है, उसको भविष्यवाणी करना है नीनवे में। ठीक है, नीनवे क्या है? नीनवे अश्शूर की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने देखा ये था इज़राइल और ये था यहूदा। ठीक है, अब इज़राइल पर जब दंड आएगा तो किसके द्वारा आएगा? अश्शूर के द्वारा, अश्शूर के द्वारा। अश्शूर की राजधानी क्या है? नीनवे। ठीक है, यहूदा पर जो दंड आएगा वो बेबीलोन के द्वारा, ये भविष्यवाणी होती थी। तो सोचिए अब योना को कैसा लगेगा, परमेश्वर योना को कह रहा है इज़राइल से निकलो और नीनवे में जाके भविष्यवाणी करो, क्योंकि वहां के लोगों ने बहुत पाप किया है, वहां जाके बोलना 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट जाए। योना जानता था कि अगर मैं वहां पर जाकर बोलूं तो लोग मन फिरा लेंगे, फिर परमेश्वर दंड नहीं देगा। अरे भाई, दुश्मन को जितना है जल्दी दंड दे दो, हम लोग बच जाएंगे। तो योना जाना ही नहीं चाहता था, वो भाग गया तर्शीश को। जो इज़राइल की ज्योग्राफी है उसको आप देखेंगे तो ऐसे, हम लोग आज बहुत ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ठीक है, ये आप समझ गए। हमारे पास इज़राइल का मैप मैंने पहले से नहीं दिखाया, डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है, रफ आईडी, ये भूमध्य सागर है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और इसके ठीक पूरब में इज़राइल का देश है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर गलील की झील है, यहाँ पर मृत सागर है, और इसके पूरब, इसके पश्चिम की तरफ जितना भी है यहाँ से यहाँ तक इज़राइल का देश हुआ करता था। बाद में ये दो भाग में बंट गया था, तो ऊपर को इज़राइल कहते थे, नीचे को यहूदा कहते थे। अब यहाँ से योना को भेजा जा रहा है, अब भेजा जा रहा है नीनवे, नीनवे है इधर। ठीक है, अब योना जहाज पकड़ के भाग गया तर्शीश, इधर यहाँ से जहाज पकड़ के चला गया। अब उसके बाद आप कहानी जानते हैं, योना को फेंक दिया गया, उसके लिए मछली ठहराया गया और मछली आकर उसको तट पर उगल देती है। अब जाहिर है नीनवे में नहीं उगलेगी मछली, पैदल नहीं चलती है क्योंकि यहाँ से आगे तो जमीन है। ठीक है, तो मछली ने योना को उगल दिया, तो नीनवे में नहीं उगला था, अश्शूर में नहीं उगला था, ये इधर ही कहीं उगल दिया यहीं पर। अब लेकिन तब तक योना को समझ में आ गया कि अब जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ लिखता है कि योना जो नगर था 3 दिन की यात्रा का था। तो कुछ लोग कहते कि नगर में घूमने में 3 दिन लग जाएगा, इतना बड़ा था। कुछ लोग कहते यहाँ से यहाँ यात्रा करने में 3 दिन लगते थे, जो विवाद है उसको छोड़िए। लेकिन वो यहाँ से गया थे नीनवे, और नीनवे जा कर के तब उसने भविष्यवाणी की वहाँ पर और लोगों ने मन फिरा लिया। ठीक है, लेकिन भविष्यवाणी करने के बाद वो छप्पर बनाकर वो देखने लगा 40 दिन बीतने तो, जो मैंने कहा है पूरा होता है कि नहीं। और लेकिन जब लोगों ने मन फिरा लिया तो परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, दंड नहीं दिया तो ऊपर से और परमेश्वर पर क्रोधित हो गया। एक तो दंड देने के लिए मुझे भिजवाया और दंड भी नहीं दे रहे। तो परमेश्वर ने उसको कहा, क्योंकि उसको एक दृष्टांत दिया गया, एक लिखता है कि रेड़ का पेड़ बढ़ाया, लतर रातों रात बड़ी हो गई, उसको छाया देने लगी। योना को अच्छा लगा कि छाया मिल रहा है, फिर उसको कीड़े ने काटा, सूख गया एक दिन में। तो योना को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो छप्पर यहाँ बना हुआ था उसको भी कीड़ा से कटवा दिया, उसको भी मार डाला और नीनवे के लोगों को छोड़ दिया।
परमेश्वर ने जवाब दिया कि जिस पौधे को तूने ना सोच सींचा, ना बोया, ना बढ़ाया, उस पर तो इतना तरस खा रहा है, तो नीनवे के 120 लोगों पर मैं तरस ना खाऊं। ये कहानी, तो ये कहानी क्यों लिखी गई? ये कहानी इस प्रकार से कि नीनवे जाने के दरमियान योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, और जब वहां से मछली के पेट से 3 दिन 3 रात के बाद निकला तो अन्य जातियों का छुटकारा हो गया उसके वचन से। और यीशु मसीह ने अपना उदाहरण दिया था, जिस प्रकार योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात था, मनुष्य का पुत्र भी, मैं भी उसी रीति से धरती के गर्भ में रहूंगा। और जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, हम अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिया गया। जब तक यीशु मसीह मरे नहीं थे, अपने चेलों को बोलते थे यहूदियों के पास जाना, इसराइल के घराने की कोई भेड़ों के पास मत जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना। एक अन्य जाति कनानी आई थी तो उसको कह दिया गया था लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित। लेकिन जब वो जी उठे, उन्होंने कहा कि सब जातियों में प्रचार करो, तो उस 3 दिन 3 रात की जो घटना है योना के दिन में, वो एक संकेत था कि इसी प्रकार मसीह जब आएगा, वो मरकर जी उठेगा, अन्य जातियों के लिए आशा का द्वार खोल दिया जाएगा। हमारे लिए योना की पुस्तक में संदेश है। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे नहुम की पुस्तक, ठीक है? मीका है, मीका के बाद नहुम, नहुम की पुस्तक। अगर आप देखें तो ये जो पुस्तक है, ये नहुम नाम भविष्यवक्ता ने लिखा, और ये पुस्तक अशुर की राजधानी नीनवे के विरुद्ध में लिखी गई। योना के द्वारा पहली दफा वार्निंग भेजा गया, सुधर गए, ठीक है, लेकिन है तो नीनवे के लोग, फिर वापस पहले जैसे बन गए। जब पहले जैसे बन गए तो परमेश्वर ने एक और नबी खड़ा किया जिसका नाम है नहुम। अब ये जो नहुम है, ये नीनवे के विरुद्ध में, नीनवे नहीं जा रहा है, यहीं से भविष्यवाणी कर रहा है इसराइल से, और भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर उसको दंड देगा, क्योंकि अश्शूर को इसराइल के विरुद्ध में इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अश्शूर ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो इसलिए नीनवे को या अश्शूर को दंड देना जरूरी था। इसलिए ये नहुम की पुस्तक अस्तित्व में आई, जहां पर विनाश की भविष्यवाणी की गई, जिसमें बताया गया कि बेबीलोनियों को दंड दिया जाएगा मादी लोगों के द्वारा, और नीनवे का पतन हो जाएगा। तो ये इसराइल के दुश्मनों के लिए है। एक बार की बात है, मुझे याद है जब मैं वहां पर बैठा था और मैंने इस बात का प्रचार किया था यहां से, मुझे याद नहीं कि जब उन्होंने शुरू किया था उसी समय या फिर कोई और संदर्भ था। तब फिर एक बहन मेरे पास में आई थी खत्म होने के बाद, और वो नहुम की पुस्तक से एक रेफरेंस लेकर मेरे पास में आई, और वो कह रही थी ये जो पद है इसका क्या अर्थ है, वहां पर दंड की भविष्यवाणी थी, दंड की बात। तो उसने पूछा मुझसे कि इसका क्या अर्थ है, तो मैंने देखा ये नहुम की पुस्तक है। मैंने कहा कि ये आपके विरुद्ध में नहीं है, ये आपके दुश्मनों के विरुद्ध में है, क्योंकि नहुम की पुस्तक इसराइल के दुश्मनों के विरुद्ध में, ये आपके लिए नहीं है, आपके दुश्मनों के विरुद्ध में। तो उसने कहा कि उसको बहुत प्रार्थनाओं के बाद में, बहुत विश्वास करने के बाद में उसको गर्भ हुआ था, और फिर वो सोचती थी कि परमेश्वर कुछ उपाय करे, और उसको लगा कि परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, उस वचन को लेकर किसी के पास काउंसलिंग कराने चली गई, क्योंकि उसमें दंड के वचन थे नहुम की पुस्तक। तब जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि आपने क्या किया परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर दंड की बातें आपको बोल रहा है, और वो घबरा गई, और वो ऐसे घबरा गई कि उसका विश्वास चला गया, आप उसको गर्भपात हो गया। तो जो काउंसलिंग जिसने किया, कम से कम उसको मालूम हो कि पुस्तक किसके विरुद्ध में है, किसके लिए लिखी गई। जब हम संदर्भ नहीं जानते और व्याख्या करते हैं तो हम उससे हानि उठा सकते हैं। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, कट सकता है, और इसीलिए हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप जब भी किसी पुस्तक के बारे में देखें तो आप जान लें कि पुस्तक है क्या, और तब जाकर किसी पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है उसको देखिए, या कैसे अप्लाई होता है। किसी भी बात को आप डायरेक्टली उठाकर किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाइबल उस ढंग से नहीं लिखी गई। पहले उसको समझिए कि उस समय के लोगों को क्यों ये कहा जा रहा था, कैसे हो रहा था, और अभी के समय को देखिए, और जब आप देखिए तो बीच में यीशु मसीह को भी रखिए, उसके बिना व्याख्या नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति आ चुकी है पहले, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, और
यही पुस्तकें थी जो बाकी पुस्तकों से थोड़ी अलग हैं। अब हम लोग सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को हमने देख लिया, ठीक है। कुछ पुस्तकों का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन उनमें कमोबेश यही कहानी है, और जब आप इसको देखेंगे, इसके अनुसार पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे वहाँ की घटना पर, जब सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे कि बेबीलोन के हाथों ये लोग गुलामी में चले जाएंगे, और 70 वर्ष पूरे होने पर ये लोग लौट कर आएंगे। तो जब ये लोग लौट कर आए तो क्या हुआ, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे एज्रा की पुस्तक, एज्रा की पुस्तक, और एज्रा की पुस्तक आपका पेज नंबर इसमें होगा, पेज नंबर 55। तो ये लोग गुलाम बनकर, यहूदा से गुलाम बनकर चले गए हैं बेबीलोन, ठीक है। बेबीलोन में जब ये लोग गए हैं, 586 ईस्वी पूर्व की घटना है, और ये लोग लौट करके आए हैं वापस, ये वापसी पुनर्वापसी है 536 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगर आप यिर्मयाह उसके अध्याय 29 पद 10 को पढ़ेंगे, वहां भविष्यवाणी थी कि बेबीलोन की गुलामी के 70 वर्ष पूरे होने पर परमेश्वर उनको लौटा कर लाएगा। गुलामी है 586 ईस्वी पूर्व में, मतलब पूरी तरह से यरूशलेम को नष्ट किया गया, और वापस लौटे 536 ईस्वी पूर्व में। बताइए बीच, दोनों के बीच का गैप कितना है। मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं मैथ्स की परीक्षा ले रहा हूं। कितने साल का गैप बीच में, 50। लेकिन वहां भविष्यवाणी थी 70 साल, तो 70 साल की भविष्यवाणी है, तो ये 50 साल में कैसे पूरी हो रही। तो इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वो इस बात को बताते हैं, इसके ठीक पहले 54, पेज नंबर 54 को जरा से डिस्प्ले कीजिए। तो ये जो बेबीलोन की जो गुलामी हुई थी वो कई चरण में हुई थी, कई स्टेप में हुई थी। तो इसमें अगर आप देखें, जैसे ये रूट चलेगा, अब्राहम का जन्म यहाँ से जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। तो देखिए यहाँ पर यहूदा का पतन लिखा है, यहेजकेल इसके ठीक पहले का है, लेकिन निर्वासित अवस्था में था, और इसराइल का निर्वासन यहाँ पर हुआ था। इन्हीं के ठीक बीच में, इसके थोड़ा सा पहले, यहेजकेल अगर निर्वासन में है तो उसके थोड़ा सा पहले, देखिए दानियल के समय, तो जो फर्स्ट ग्रुप गया था वो गया था 605 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। पहला ग्रुप जो गया था वो 605 ईस्वी पूर्व, 605 ईस्वी पूर्व, मतलब यीशु मसीह इधर है, उसके इतना साल पहले, उसके इतना साल पहले, उसके इतना साल पहले। तो जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 70 साल का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि 605 ईस्वी पूर्व, तो इसके एक एक बाद से आप काउंट कीजिए 606 से, और यहाँ से यहाँ का गैप देखिए, आपको मिलेगा 70 साल का डिफरेंस। तो विद्वान कहते हैं कि यहाँ से काउंट करना चाहिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग यहीं से काउंट करेंगे। तो कब तक काउंट करेंगे, 586 से हम लोग तब काउंट करेंगे जब लोग वापस लौट करके उन्होंने मंदिर के लिए वेदी का पुनर्निर्माण किया, क्योंकि जब तक वेदी नहीं है तो हम लोग फिर से लौटे ये नहीं मान सकते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो वेदी कब बनाई गई, मंदिर का पुनर्निर्माण, यहाँ पर देखिए मंदिर का निर्माण वो 536 ईस्वी पूर्व और उसके 516 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लोग कहते हैं 516 कैलकुलेट करना चाहिए। तो कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 70 साल होंगे, तो अलग अलग मत हैं विद्वानों के, लेकिन 70 सालों का कैलकुलेशन हमारे सामने है, मतलब 70 सालों के गैप में लोग जरूर लौट करके आए। लेकिन जब लौट करके आए तो भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर एक राजा को इस्तेमाल करेगा जिसको कुश्रू कहा गया था, कुश्रू के समय में दानियल भी था। और अगर आप एज्रा की पुस्तक पढ़ें तो आप पहले ही पद में पाएंगे कि वहाँ पर जो कुश्रू राजा है यिर्मयाह की भविष्यवाणी के मुताबिक लोगों को आदेश देता है कि तुम लोग लौट जाओ, और जितने लोग लौटना चाहते लौट जाए, मंदिर का खजाना वापस भेज देता है, और लोग जरुबाबेल की अगुवाई में वापस लौटते हैं। तो इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं,
ऊपर दिखाइए, दो भाग में बांट सकते हैं कि जरुबाबेल की अगुवाई में लोग वापस लौटते हैं, प्रथम दल वापस आता है और लौटने के बाद लोग मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाने में उनको 20 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब बनाना शुरू करते हैं तो विरोध भी शुरू हो जाता है, विरोध शुरू होता है तो लोग काम छोड़ देते हैं। लोग सोचते कौन जान गवाए, अभी तो वापस लौट के आए हैं, छोड़ो मंदिर नहीं बना तो नहीं बने, हम अपना घर बनाते हैं। और वे अपना घर बनाना शुरू करते हैं। जरुबाबेल लीडर था, और इज़रा की पुस्तक में एक और व्यक्ति का नाम मिलेगा जिसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, यीशु, ठीक है, यीशु नाम मिलेगा। तो जरुबाबेल और यीशु ये लोग मंदिर बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब विरोध हो रहा है उधर। फिर एक और दारा राजा था, फारस का राजा दारा, यहाँ पर हमने एक मादी राजा का नाम लिखा था दारा, वो अलग है। फारस में भी बाद में खुसरू के बाद में एक राजा हुआ जो दारा कहलाया, दारा के समय में मंदिर रोक दिया गया। तो जब रोक दिया गया उसके बाद लोगों ने फिर प्रयास किया, लोगों ने मंदिर बनाना छोड़ दिया, और उस समय परमेश्वर ने अपने दो लोगों को खड़ा किया, उसमें से एक का नाम है हग्गै और दूसरे का नाम है जकर्याह, ठीक है। तो इस समय ठीक इन दिनों में ये लोग दो भविष्यवक्ता खड़े होते हैं, हग्गै और जकर्याह, और ये लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो जो हग्गै की पुस्तक आप पढ़ेंगे उसके पहले अध्याय को पढ़ें तो आप इतना स्मरण रखिए, मंदिर बनाना स्टार्ट हुआ था कब, यहां पर स्टार्ट हुआ था, रुक गया है, रुकने के बाद लोगों को उभारा जा रहा है कि फिर से बनाओ, और भविष्यवाणी करने के लिए हग्गै नबी आया है, और लोगों को कहा जा रहा है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियां लेकर आओ, परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाओ, और लोग उत्साहित होकर के फिर से बनाते हैं। भविष्यवाणी होती है कि जो मंदिर बनेगा उसका तेज पहले वाले मंदिर से बढ़कर होगा, क्योंकि सुलेमान के समय में जो मंदिर था उसमें यहोवा का तेज भर गया था, ठीक है। फिर यहोवा का तेज यहेजकेल के समय में निकल भी गया, अब लोग लौट के आए हैं और मंदिर फिर से बना रहे हैं, और मालूम इसी मंदिर में यीशु मसीह आए थे, तो इसका तेज पहले वाले मंदिर से ज्यादा। तो हग्गै के समय में ये हुआ, और जकर्याह भी जरुबाबेल के विषय में भविष्यवाणी करते, आपको याद होगी भविष्यवाणी, आप जकर्याह की पुस्तक से पढ़ते हैं, जकर्याह अध्याय 4 में लिखा है, ना तो बल से ना आत्मा से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा, ठीक है। वहां पर जब आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आप जरुबाबेल का नाम पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसको रखिए, मैं पढ़ देता हूँ, जकर्याह की पुस्तक और उसके 4 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है 6 से, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुबाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह अनुग्रह। तो सिचुएशन स्मरण रखिए, परेशानी आई है, लोग मंदिर बनाने नहीं दे रहे हैं, भविष्यवाणी आ रही है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा, तुम्हारे सामने जो पहाड़ है मैदान हो जाएगा, चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, अनुग्रह अनुग्रह, मतलब जरुबाबेल तुम मंदिर बनाने में जरूर सफल हो गए, और वचन बताता है कि वो जरूर सफल हुआ। ये कहानी है पुनर्स्थापना की कहानी, जब लोग बिखर गए, सब कुछ टूट फूट गया, जैसा पहला था वैसा नहीं रहा, लौट कर आए हैं, पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है, बनाने के लिए कर रहा है, उसके लिए वचन आ रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर है, तुमको सहायता मिलेगी। हम लोग इसको अपने लिए ले सकते हैं। हम लोगों ने कलीसिया को देखा है पहली शताब्दी में कैसे थी, प्रेतों के काम में, पहली शताब्दी की कलीसिया और अभी को कंपेयर कीजिए, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल नहीं, लेकिन हम लोग पुनर्स्थापना की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा पहले था वो हो जाए। अब जब भी आप पुनर्स्थापना के लिए काम करेंगे, आप जरुबाबेल की जगह पर होंगे। अब अगर आप जरुबाबेल की जगह पर होंगे तो आपके लिए वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा। जो आपके सामने पहाड़ और मैदान हो जाएगा, चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा और कहेगा उस पर अनुग्रह अनुग्रह। हम लोग पुनर्स्थापना के काम को करते हैं। तो जो जकर्याह की पुस्तक है और हग्गै की पुस्तक है वो इस समय की पुस्तक है, बाकी जो थी उसके पहले की पुस्तकें वो गुलामी से पहले की पुस्तकें थी, ठीक है। और अब मैंने कहा था दो लोगों का नाम है,
एक का नाम मैंने कहा था जरुबाबेल और दूसरे का नाम यीशु, यीशु नाम लिखा है जब एजरा की पुस्तक में। लेकिन जब हम उसी यीशु का नाम पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक में तो वहां लिखा है यहोशू महायाजक, ठीक है, उसी यहोशू को ही यीशु नाम लिखा गया। तो ये जो यहोशू था वो महायाजक था, वो भी मदद कर रहा था, उसके लिए भी जकरिया की पुस्तक में भविष्यवाणी आती है अध्याय 3 में, आप उसको पढ़ करके देख सकते हैं। तो पूरी कहानी आप वहां से देख लें। तो हम लोग एजरा में वापस रहते हैं, तो लोग आकर मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने में 20 साल लगते हैं, 20 साल में भी मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब पूरा डेकोरेशन नहीं हुआ था। बाद में हेरोदेस के समय में फिर से बनाया गया और टोटल उसको बनाने में 40 साल लगे थे, जिसमें घुस के यीशु मसीह बोलते हैं इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोग कहते हैं इसको बनाने में 40 साल लगे, तू कहते 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और मैं यहाँ कह रहा हूँ 20 साल में बना, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइए, इन्होंने जब बनाया 20 साल तक बनाया, बाद में जो उसका पूरा डेकोरेशन करना था उसको हेरोदेस के समय में काफी बाद में किया गया, उसमें 40 साल लगे, इधर का 20 और वहां का काउंट कर लीजिए। तो ये इसके शुरू के 6 अध्यायों में ये समाप्त हो जाता है, और बाद के अध्यायों में अध्याय 7 से एजरा को आप देखिएगा। एजरा वहां पर आता है, एजरा के हाथ में किताब है बाइबल जो बाकी उनके हाथ में नहीं। अब एजरा आता है, मंदिर तो बन गया, मंदिर बन गया, लेकिन लोग जो है वो सही स्थिति में नहीं है, वो लोगों के बीच की स्थिति को सुधारता है। लोगों ने अन्य जातियों के साथ में विवाह कर लिया था, जिसके विषय व्यवस्था विवरण में मना किया गया था, विवाह कर लिया गया था, तो बकायदा उस विवाह का विरोध किया जाता है, और एजरा के साथ में निर्वासितों का दूसरा दल भी वापस आता है। अगर इस घटना के फ्लो को देखना चाहें तो इस रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद नहेमिया की पुस्तक, नेक्स्ट हम लोग बस थोड़ा सा देखेंगे, बस समाप्त हो जाएगा। इतिहास से थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट ना हो तो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी हो तो कल को आप वचन की सही व्याख्या कर सकते हैं। नहेमिया की पुस्तक एजरा के बाद के समय की है। अगर आप उस समय को देखें तो देखिए 445 ईस्वी पूर्व से 432 ईस्वी पूर्व, यहाँ देखिए समय घटता जाता है ईस्वी पूर्व 605, 586, 536, 516 मंदिर बन गया कंप्लीट हुआ, और नहेमिया आया है 445 ईस्वी पूर्व, इसके बहुत बाद, बहुत बाद। नहेमिया का दर्द क्या है? कोई दर्द नहीं, वो फारस के राजा का पियाऊ है, मतलब उसको पीने के लिए देता है, मतलब अच्छा खासा ऑफिसर है, राजा उस पर विश्वास करता है कि जो भी मुझे पीने के लिए देगा उसमें जहर नहीं है, और उसको अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन उसके मन में कसक है कि मेरा जो यरूशलेम जहां लोग वापस लौट के गए हैं, मंदिर तो बन गया लेकिन उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए, वहां से वो राजा से परमिशन लेता है कि मुझे जरा बनाने के लिए परमिशन दिया जाए। राजा उसको महल से छुट्टी दे देता है, महल के काम से छुट्टी दे देता है, और यहूदा के प्रांत का अधिपति बना दिया जाता है 12 साल के लिए, और वहां रहते हुए वो वहां की शहरपनाह को बनवाता है और लोगों को फिर से रिस्टोर करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये सारी कहानी आप पाएंगे। शहरपना बनने में मात्र 52 दिन लगे जबकि शहरपना टूटी हुई थी। हम लोग इस कहानी इस पुस्तक को दो भाग में बांट सकते हैं कि शहरपना का पुनर्निर्माण होता है, उस बीच में पुनर्निर्माण की सहायता भी होती है, पुनर्निर्माण का विरोध भी होता है, लेकिन पुनर्निर्माण का काम समाप्त भी हो जाता है। अध्याय 6:15 में लिखा है 52 दिन के भीतर शहरपना बनकर कंप्लीट हो गई। और जो दूसरा भाग है उसमें वो लोगों पर ध्यान देता है, जैसे इजरा में भी दूसरे भाग में लोगों पर ध्यान दिया गया, पहले भाग में मंदिर बनाए, लोगों पर ध्यान देता है कि लोगों की बिगड़ी हुई दशा सुधारी जाए, कुछ सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि सब कुछ अच्छे ढंग से चले, और इजरा और नहेमिया के प्रयास से सब कुछ अच्छा हो गया, और उसी दरमियान यीशु मसीह आए, ठीक है, उसी सिस्टम के दरमियान यीशु मसीह वापस आए। नहेमिया की पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं मंदिर तो बना दिया गया यहाँ, लेकिन मंदिर बनाना काफी नहीं है। मैं मंदिर हूं, आप मंदिर हैं, हम मिलकर एक मंदिर हैं, परमेश्वर का मंदिर, लेकिन सिर्फ आत्मिक बातों में काम करना काफी नहीं। अगर परमेश्वर के राज्य की बात है तो वहां सिर्फ आत्माओं का उद्धार की बात नहीं, वहां सब प्रकार की बातें हैं। शहरपना बनाना भी जरूरी है,
अगर शहरपना नहीं है तो मंदिर असुरक्षित है। जो हमारे संसार से संबंधित जरूरतें हैं उसके लिए भी सेवकाई होनी चाहिए, उसके लिए भी कलीसिया को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए भी सेवकों को ध्यान देना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि उसके भीतर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सुरक्षित ढंग से चल सके। लेकिन मैंने क्या देखा अपने अनुभव से, लोगों ने उस शहरपना बनाने के काम को इग्नोर कर दिया। लोगों को लगता है कि सेवकाई का मतलब है सिर्फ आत्माओं को बचाना, सिर्फ आत्माओं को किसी तरह स्वर्ग पहुंचा देना, है ना, नरक से बचा लेना। सेवकाई वे इतना ही समझते, मन फिराओ स्वर्ग जाओ, मन फिराओ स्वर्ग जाओ। नहीं, सेवकाई उससे भी बढ़कर भी बात है, दूसरी बातें भी हैं, वो तो है ही, हम उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ में शारीरिक बातें होनी चाहिए। यीशु मसीह जब आए थे उसने खाने पीने पहनने के विषय में बातचीत की, उसने बहुत आयत के जीवन के विषय में बातचीत की, उसके राज्य में जो सिस्टम शुरुआत में चेलों ने कायम किया था उसमें एक भी निर्धन नहीं था। उन्होंने ऐसा सिस्टम कायम किया था कि उस सिस्टम के अंदर जो मसीहत थी वो कायम रही, भारी सताहट के बीच में कायम रही और बनी रही आज तक आगे। हम लोग अगर उस सिस्टम के लिए काम ना करें तो शहरपना टूटी हुई हालत में रहेगा, तो कोई भी आक्रमण करके गुलाम बना लेगा। लोगों ने इस पर काम नहीं किया, हमारे समय में वो काम अधूरा पड़ा है, हम लोग उस काम को करें। परमेश्वर आपको प्रेरित करे तो आप भी उस काम को कीजिए। प्रार्थना कीजिए, नेहमिया की सेवकाई एजरा की सेवकाई से परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो ये हुआ एजरा और नेहमिया। एस्तेर की पुस्तक, ठीक है, एस्तेर की पुस्तक मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आप पलट के नहीं भी जाएंगे तो। एस्तेर की पुस्तक इसी एजरा नेहमिया के दिनों की पुस्तक है, 470 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इस समय क्या हुआ कि यहूदी लोग कुछ तो लौटे हैं और कुछ तो बिखरे हुए फारस के राज्य में इधर उधर हैं, और जो एस्तेर है उसको किसी प्रकार मौका मिल गया है कि वहां का जो राजा है वो राजा की रानी बन जाए। पूरी कहानी आप डिटेल से पढ़ लें। और उस समय एस्तेर का जो चाचा है मुर्दकै उसको सरकारी अधिकारी के रूप में राजा के फाटक में नियुक्त किया गया है, और वो इतना कट्टर यहूदी है कि आदमी के सामने झुकेगा नहीं। और राजा का जो सेनापति है हमान, वो निकलता है, जब वो निकलता है शहरपना पर तो वो चाहता है कि सारे लोग उसके सामने झुके, लेकिन जो मोर्दकै है वो नहीं झुकता। उसे पता लगा कौन आदमी है मेरे सामने झुकता है, मोर्दकै है। अच्छा, मोर्दकै को मैं दंड दूंगा। मोर्दकै के लिए फांसी का फंदा तैयार करता है, और उसने कहा कि मोर्दकै को दंड देना तो छोटी सी बात है, मोर्दकै किस जाति का है, यहूदी है, तो सारे यहूदी जाति के लोगों को मार डालने की आज्ञा निकलवा देता है, ठीक है। और इन सब के बीच में आप सोचिए, सारे यहूदी अगर मर जाएं तो यीशु मसीह कहां से आएगा। इन सब के बीच में मोर्दकै एस्तेर से कहता है कि तुम तो रानी बन के महल में हो, तुमने अपनी जाति नहीं बताई है, लेकिन यह मत सोचना कि पता नहीं चलेगा। सब लोगों को मारने का फरमान निकल चुका है, फलाने तारीख को सब यहूदियों को मार दिया जाएगा, अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकती। तो फिर एस्तेर ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, राजा ने कह दिया था कोई मेरे सामने नहीं आएगा, अभी जो आएगा मृत्यु दंड। और उसके बाद राजा के सामने जाने से सिर्फ उसी को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा जिस पर राजा राजदंड बढ़ाएगा। गुस्सा कोई व्यक्ति, अगर राजा ने राजदंड बढ़ाया अच्छा लगा उसको तो व्यक्ति बच जाएगा, नहीं तो सीधे पकड़कर मृत्यु दंड, चाहे रानी ही क्यों ना। तो एस्तेर ने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करूंगी, और उसने कहा कि मैं भी उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी, तुम भी उपवास करो, प्रार्थना करो। तो उन्होंने 3 दिन तक उपवास प्रार्थना किया, और इसके बाद एस्तेर ने राजा के महल में प्रवेश किया, राजा के सामने आई, और उनके उपवास उनकी प्रार्थना के बाद क्या हुआ, राजा ने राजदंड बढ़ाया, एस्तेर बच गई। और जब बच गई उसने राजा से कुछ निवेदन किया, और जो कुछ निवेदन किया उसके कारण सारे यहूदी बच गए, और उल्टा हमान को मृत्युदंड मिला। जो फांसी का फंदा उसने मोर्दकै के लिए बनाया था उसी फांसी के फंदे में उसको लटका दिया। जिस दिन एस्तेर उसके सामने आई थी उस रात राजा को नींद नहीं आई, वचन कहता है। और जब नींद नहीं आई तो राजा ने सोचा कुछ इंटरटेनमेंट किया जाए, उसने अपने लोगों से कहा इतिहास की पुस्तक लाओ और पढ़कर सुनाओ। भला किसी को नींद नहीं आती तो इतिहास पढ़ता है क्या।
लेकिन इन्होंने प्रार्थना किया था, उपवास किया था, और इतिहास की पुस्तक पढ़कर लाई गई और उसमें लिखा हुआ था कि मोर्दकै ने राजा की भलाई के लिए यह काम किया था, मोर्दकै जो एस्तेर का चाचा था। और उन्होंने, राजा ने पूछा तो मोर्दकै को क्या किया, क्या दिया गया, तो वहां तो लिखा था कुछ नहीं दिया गया, तो उसके लिए तो दिया जाना चाहिए। तो मोर्दकै को आशीष देता है राजा, उसको बोलता है कि उसको राजशाही वस्त्र पहनाकर लोगों के बीच में घुमाया जाए, उसका आदर सम्मान किया जाए। जिस मोर्दकै को नीचा दिखाया जा रहा था, फांसी की सजा देने की योजना बनाई जा रही थी, उसको परमेश्वर ऊंचा कर देता है। जिन यहूदियों को मारने की आज्ञा दी जा रही थी, उन यहूदियों को बचा लिया जाता है, और जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था वो मार डाला जाता है अपने घर समेत। ये एस्तेर की कहानी। एस्तेर वो स्त्री है जिसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, आपको लगेगा कि अगर मैं सुंदर हूं तो उसके लिए उसका प्रभु के काम से क्या तालमेल, क्या इस्तेमाल उसका, है ना, केवल दूसरों को बहकाने के लिए। लेकिन एस्तेर की सुंदरता काम आई, है ना। तो हम लोगों, प्रभु हम लोगों की किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। हमको लगेगा कि इस चीज को तो नहीं करेगा, लेकिन प्रभु किसी भी चीज को कर सकता है। हमको अपना माइंड खुले रखना चाहिए, किसी भी चीज को कर सकता है। वो सुंदर स्त्री काम आई ताकि सारे यहूदियों को बचा ले, और यीशु मसीह उसके द्वारा इस धरती पर आए। ये थी एस्तेर की पुस्तक। एक और आखिरी पुस्तक बच गई है, मलाकी की पुस्तक, जो 430 ईस्वी पूर्व लिखी गई। ये यीशु मसीह के आने से पहले की आखिरी पुस्तक है। जब ये सारी घटनाएं हो गई, सारी पुनर्स्थापना हो चुकी है, और इसके बीच में मलाकी नाम का एक व्यक्ति आता है। मलाकी का अर्थ होता है मैसेंजर, अर्थात संदेश वाहक। और ये जो मलाकी है, ये यहूदा के लोगों के बीच में वो एक पुस्तक को लिखता है, और वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने संसार में बहुत सारे लोगों को चाहता तो चुन सकता था, लेकिन उसने इसराइल को चुना। तो उसने इसराइल पर दया किया। ऐसी कोई खास बात इसराइल में नहीं थी, लेकिन इसराइल को चुना गया। उसने एदोम को नहीं चुना, उसने इश्माएल को नहीं चुना, उसने इसराइल को चुना। तो अगर इसराइल को चुना है और इसराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध होंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। तो उनका जो भी पाप था, उनको बताता है कि याजक विश्वासघात कर रहे हैं, लोग विश्वासघात कर रहे हैं, दान की चोरी हो रही है, रिठाई से बातचीत कर रहे हैं, इन सबको बोलता है, और बोलता है मन फिरा लो। तो लोग बकायदा मन भी फिराते हैं, ठीक है। और इसके साथ में वो भविष्यवाणी करता है दो लोगों की। यशया भी किया था, एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी करता है, और दूसरा आने वाले मसीह की भविष्यवाणी करता है, पहले और द्वितीय दोनों आगमन। Okay? पहले आगमन के विषय में भी है, द्वितीय आगमन के विषय में भी है, अध्याय 4 में द्वितीय आगमन के विषय। यशया भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय भविष्यवाणी करता है, जंगल में पुकारने वाले की आवाज। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर ठहरा, क्योंकि कोई भी दूसरा भविष्यवक्ता ऐसा नहीं था जिसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणी पहले से दी गई। सिर्फ मसीह के विषय भविष्यवाणी होती थी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी भविष्यवाणी। और कहा गया कि एलिया भी आएगा, आ करके लोगों के मन सुधारेगा। और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम चाहो तो मान लो कि एलिया यही है जिसने मार्ग तैयार किया लोगों को। इसके समय में काफी बाद में किया गया, उसमें 46 साल लग गए, तो इधर का 20 और वहां का काउंट कर लीजिए। तो ये इसके शुरू के 6 अध्यायों में ये समाप्त हो जाता है। और बाद के अध्यायों में, अध्याय 7 से एज्रा को आप देखिएगा, एज्रा वहां पर आता है। एज्रा के हाथ में किताब है, बाइबल, जो बाकियों के हाथ में नहीं। अब एज्रा आता है, मंदिर तो बन गया, मंदिर बन गया, लेकिन लोग जो है वो सही स्थिति में नहीं है। वो लोगों के बीच की स्थिति को सुधारता है। लोगों ने अन्य जातियों के साथ में विवाह कर लिया था, जिसके विषय व्यवस्था विवरण में मना किया गया था, विवाह कर लिया गया था। तो बकायदा उस विवाह का विरोध किया जाता है, और एज्रा के साथ में निर्वासितों का दूसरा दल भी वापस आता है। अगर इस घटना के फ्लो को देखना चाहें तो इस रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद नहेमिया की पुस्तक, नेक्स्ट हम लोग बस थोड़ा सा देखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। इतिहास से थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट ना हो तो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हो तो कल को आप वचन की सही व्याख्या
कर सकते हैं। नहमिया की पुस्तक एजरा के बाद के समय की है। अगर आप उस समय को देखें तो देखिए 445 ईस्वी पूर्व से 432 ईस्वी पूर्व, यहाँ देखिए समय घटता जाता है ईस्वी पूर्व 605, 586, 536, 516 मंदिर बन के कम्प्लीट हुआ और नहमिया आया है 445 ईस्वी पूर्व। इसके बहुत बाद, बहुत बाद। नहमिया का दर्द क्या है? कोई दर्द नहीं, वो फारस के राजा का पिया हुआ है, मतलब उसको पीने के लिए देता है, मतलब अच्छा खासा ऑफिसर है, राजा उस पर विश्वास करता है कि जो भी मुझे पीने के लिए देगा उसमें जहर नहीं है और उसको अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन उसके मन में कसक है कि मेरा जो यरूशलेम जहां लोग वापस लौट के गए हैं, मंदिर तो बन गया लेकिन उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए, वहां से वो राजा से परमिशन लेता है कि मुझे जरा बनाने के लिए परमिशन दिया जाए। राजा उसको महल से छुट्टी दे देता है, महल के काम से छुट्टी दे देता है और यहूदा के प्रांत का अधिपति बना दिया जाता है 12 साल के लिए, और वहां रहते हुए वो वहां की शहरपनाह को बनवाता है और लोगों को फिर से रिस्टोर करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये सारी कहानी आप पाएंगे। शहरपनाह बनने में मात्र 52 दिन लगे जबकि शहरपनाह टूटी हुई थी। हम लोग इस कहानी इस पुस्तक को दो भाग में बांट सकते हैं कि शहरपनाह का पुनर्निर्माण होता है, उस बीच में पुनर्निर्माण की सहायता भी होती है, पुनर्निर्माण का विरोध भी होता है, लेकिन पुनर्निर्माण का काम समाप्त भी हो जाता है। अध्याय 6 के 15 में लिखा है 52 दिन के भीतर शहरपनाह बनकर कंप्लीट हो गई। और जो दूसरा भाग है उसमें वो लोगों पर ध्यान देता है, जैसे इज़रा में भी दूसरे भाग में लोगों पर ध्यान दिया गया, पहले भाग में मंदिर बनाए, लोगों पर ध्यान देता है कि लोगों की बिगड़ी हुई दशा सुधारी जाए, कुछ सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि सब कुछ अच्छे ढंग से चले। और इज़रा और नहमिया के प्रयास से सब कुछ अच्छा हो गया और उसी दरमियान यीशु मसीह आए, ठीक है, उसी सिस्टम के दरमियान यीशु मसीह वापस आए। नहमिया की पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं मंदिर तो बना दिया गया यहाँ, लेकिन मंदिर बनाना काफी नहीं। मैं मंदिर हूँ, आप मंदिर हैं, हम मिलकर एक मंदिर हैं, परमेश्वर का मंदिर, लेकिन सिर्फ आत्मिक बातों में काम करना काफी नहीं। अगर परमेश्वर के राज्य की बात है तो वहां सिर्फ आत्माओं का उद्धार की बात नहीं, वहां सब प्रकार की बातें हैं। शहरपनाह बनाना भी जरूरी है, अगर शहरपनाह नहीं है तो मंदिर असुरक्षित है। जो हमारे संसार से संबंधित जरूरतें हैं उसके लिए भी सेवकाई होनी चाहिए, उसके लिए भी कलीसिया को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए भी सेवकों को ध्यान देना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि उसके भीतर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सुरक्षित ढंग से चल सके। लेकिन मैंने क्या देखा अपने अनुभव से, लोगों ने उस शहरपनाह बनाने के काम को इग्नोर कर दिया। लोगों को लगता है कि सेवकाई का मतलब है सिर्फ आत्माओं को बचाना, सिर्फ आत्माओं को किसी तरह स्वर्ग पहुंचा देना, है ना, नरक से बचा लेना, सेवकाई वे इतना ही समझते हैं, मन फिराओ स्वर्ग जाओ, मन फिराओ स्वर्ग जाओ। नहीं, सेवकाई उससे भी बढ़कर भी बात है, दूसरी बातें भी हैं, वो तो है ही, हम उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ में शारीरिक बातें होनी चाहिए। यीशु मसीह जब आए थे उसने खाने पीने पहनने के विषय में बातचीत की, उसने बहुतायत के जीवन के विषय में बातचीत की, उसके राज्य में जो सिस्टम शुरुआत में चेलों ने कायम किया था उसमें एक भी निर्धन नहीं था, उन्होंने ऐसा सिस्टम कायम किया था कि उस सिस्टम के अंदर जो मसीहत थी वो कायम रही, भारी सताहट के बीच में कायम रही और बनी रही आज तक आगे। हम लोग अगर उस सिस्टम के लिए काम ना करें तो शहरपनाह टूटी हुई हालत में रहेगा तो कोई भी आक्रमण करके गुलाम बना लेगा। लोगों ने इस पर काम नहीं किया, हमारे समय में वो काम अधूरा पड़ा है, हम लोग उस काम को करें। परमेश्वर आपको प्रेरित करे तो आप भी उस काम को कीजिए। प्रार्थना कीजिए, नहमिया की सेवकाई, एजरा की सेवकाई से परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो यह हुआ एजरा और नहमिया। एस्तेर की पुस्तक, ठीक है, एस्तेर की पुस्तक मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आप पलट के नहीं भी जाएंगे तो। एस्तेर की पुस्तक इसी एजरा नहमिया के दिनों की पुस्तक है, 470 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इस समय क्या हुआ कि यहूदी लोग कुछ तो लौटे हैं और कुछ तो बिखरे हुए फारस के राज्य में इधर उधर हैं, और जो एस्तेर है उसको किसी प्रकार मौका मिल गया है कि वहां का जो राजा है वो राजा की रानी बन जाए। पूरी कहानी आप डिटेल से पढ़ लें। और उस समय एस्तेर का जो चाचा है मुर्दकै उसको
सरकारी अधिकारी के रूप में राजा के फाटक में नियुक्त किया गया है। और वो इतना कट्टर यहूदी है कि आदमी के सामने झुकेगा नहीं। और राजा का जो सेनापति है हमान, वो निकलता है, जब वो निकलता है शहरपनाह पर, तो वो चाहता है कि सारे लोग उसके सामने झुकें, लेकिन जो मोर्दकै है वो नहीं झुकता। उसे पता लगा कौन आदमी है मेरे सामने झुकता है, मोर्दकै है। अच्छा, मोर्दकै को मैं दंड दूंगा। मोर्दकै के लिए फांसी का फंदा तैयार करता है और उसने कहा कि मोर्दकै को दंड देना तो छोटी सी बात है, मोर्दकै किस जाति का है, यहूदी है, तो सारे यहूदी जाति के लोगों को मार डालने की आज्ञा निकलवा देता है। ठीक है, और इन सब के बीच में आप सोचिए, सारे यहूदी अगर मर जाए तो यीशु मसीह कहां से आएगा। इन सब के बीच में मोर्दकै एस्तेर से कहता है कि तुम तो रानी बन के महल में हो, तुमने अपनी जाति नहीं बताई है, लेकिन यह मत सोचना कि पता नहीं चलेगा। सब लोगों को मारने का फरमान निकल चुका है, फलाने तारीख को सब यहूदियों को मार दिया जाएगा, अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकती। तो फिर एस्तेर ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, राजा ने कह दिया था कोई मेरे सामने नहीं आएगा, अभी जो आएगा मृत्युदंड। और उसके बाद राजा के सामने जाने से सिर्फ उसी को मृत्युदंड नहीं मिलेगा जिस पर राजा राजदंड बढ़ाएगा। गुस्सा कोई व्यक्ति, अगर राजा ने राजदंड बढ़ाया अच्छा लगा उसको तो व्यक्ति बच जाएगा, नहीं तो सीधे पकड़कर मृत्युदंड, चाहे वो रानी ही क्यों ना। तो एस्तेर ने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करूंगी, और उसने कहा कि मैं भी उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी, तुम भी उपवास करो, प्रार्थना करो। तो उन्होंने 3 दिन तक उपवास प्रार्थना किया, और इसके बाद एस्तेर ने राजा के महल में प्रवेश किया, राजा के सामने आई, और उनके उपवास उनकी प्रार्थना के बाद क्या हुआ, राजा ने राजदंड बढ़ाया, एस्तेर बच गई। और जब बच गई उसने राजा से कुछ निवेदन किया, और जो कुछ निवेदन किया उसके कारण सारे यहूदी बच गए, और उल्टा हमान को मृत्युदंड मिला। जो फांसी का फंदा उसने मोर्दकै के लिए बनाया था, उसी फांसी के फंदे में उसको लटका दिया। जिस दिन एस्तेर उसके सामने आई थी, उस रात राजा को नींद नहीं आई, वचन कहता है। और जब नींद नहीं आई तो राजा ने सोचा कुछ इंटरटेनमेंट किया जाए, उसने अपने लोगों से कहा इतिहास की पुस्तक लाओ और पढ़कर सुनाओ। भला किसी को नींद नहीं आती तो इतिहास पढ़ता है क्या। लेकिन इन्होंने प्रार्थना किया था, उपवास किया था, और इतिहास की पुस्तक पढ़कर लाई गई, और उसमें लिखा हुआ था कि मोर्दकै ने राजा की भलाई के लिए यह काम किया था, मोर्दकै जो एस्तेर का चाचा था। और उन्होंने राजा ने पूछा तो मोर्दकै को क्या किया, क्या दिया गया, तो वहां तो लिखा था कुछ नहीं दिया गया, तो उसके लिए तो दिया जाना चाहिए। तो मोर्दकै को आशीष देता है राजा, उसको बोलता है कि उसको राजशाही वस्त्र पहनाकर लोगों के बीच में घुमाया जाए, उसका आदर सम्मान किया जाए। जिस मोर्दकै को नीचा दिखाया जा रहा था, फांसी की सजा देने की योजना बनाई जा रही थी, उसको परमेश्वर ऊंचा कर देता है। जिन यहूदियों को मारने की आज्ञा दी जा रही थी उन यहूदियों को बचा लिया जाता है, और जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था वो मार डाला जाता है अपने घर समेत। ये एस्तेर की कहानी। एस्तेर वो स्त्री है जिसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, आपको लगेगा कि अगर मैं सुंदर हूं तो उसके लिए उसका प्रभु के काम से क्या तालमेल, क्या इस्तेमाल उसका, है ना, केवल दूसरों को बहकाने के लिए। लेकिन एस्तेर की सुंदरता काम आई, है ना। तो हम लोगों, प्रभु हम लोगों की किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। हमको लगेगा कि इस चीज को तो नहीं करेगा, लेकिन प्रभु किसी भी चीज को कर सकता है। हमको अपना माइंड खुले रखना चाहिए, किसी भी चीज को कर सकता है। वो सुंदर स्त्री काम आई ताकि सारे यहूदियों को बचा ले, और यीशु मसीह उसके द्वारा इस धरती पर आए। ये थी एस्तेर की पुस्तक। एक और आखिरी पुस्तक बच गई है, मलाकी की पुस्तक, जो 430 ईस्वी पूर्व लिखी गई। ये यीशु मसीह के आने से पहले की आखिरी पुस्तक है। जब ये सारी घटनाएं हो गई, सारी पुनर्स्थापना हो चुकी है, और इसके बीच में मलाकी नाम का एक व्यक्ति आता है। मलाकी का अर्थ होता है मैसेंजर, अर्थात संदेश वाहक। और ये जो मलाकी है, ये यहूदा के लोगों के बीच में वो एक पुस्तक को लिखता है, और वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने संसार में बहुत सारे लोगों को चाहता तो चुन सकता था, लेकिन उसने इसराइल को चुना।
तो उसने इसराइल पर दया किया। ऐसी कोई खास बात इसराइल में नहीं थी, लेकिन इसराइल को चुना गया। उसने एदोम को नहीं चुना, उसने इश्माएल को नहीं चुना, उसने इसराइल को चुना। तो अगर इसराइल को चुना है और इसराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध होंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। तो उनका जो भी पाप था उनको बताता है कि याजक विश्वासघात कर रहे हैं, लोग विश्वासघात कर रहे हैं, दान की चोरी हो रही है, रिठाई से बातचीत कर रहे हैं, इन सबको बोलता है और बोलता है मन फिरा लो। तो लोग बकायदा मन भी फिराते हैं, ठीक है। और इसके साथ में वो भविष्यवाणी करता है दो लोगों की, यशया भी किया था, एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी करता है और दूसरा आने वाले मसीह की भविष्यवाणी करता है, पहले और द्वितीय दोनों आगमन। Okay? पहले आगमन के विषय में भी है, द्वितीय आगमन के विषय में भी है, अध्याय 4 में द्वितीय आगमन के विषय। यशया भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय भविष्यवाणी करता है, जंगल में पुकारने वाले की आवाज। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर ठहरा, क्योंकि कोई भी दूसरा भविष्यवक्ता ऐसा नहीं था जिसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणी पहले से दी गई। सिर्फ मसीह के विषय भविष्यवाणी होती थी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी भविष्यवाणी। और कहा गया कि एलिया भी आएगा, आ करके लोगों के मन सुधारेगा। और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम चाहो तो मान लो कि एलिया यही है जिसने मार्ग तैयार किया लोगों को, मसीह के लिए तैयार किया। और मलाकी की पुस्तक यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद 430 सालों तक लोग ऐसे खाली रहे, इंतजार करते रहे, कुछ नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई नहीं बोला। लेकिन उसके बीच में वे लोग ऐसे ही चलते रहे। सिर्फ एक ही आश्चर्य कर्म की बात वहाँ पर थी जो यरूशलेम के मंदिर के थोड़ा सा उत्तर दक्षिण दिशा में थी, और वो थी बेतसदा का कुंड, जहाँ पर स्वर्गदूत साल में एक बार उतरकर पानी को हिलाया करता था, और जो उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। वही एकमात्र घटना होती थी, परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ आश्चर्य कर्म हो रहा है उसके सबूत के तौर पर। भविष्यवक्ता बोलना बंद कर चुके थे। और तब यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह आने के बाद ना तो कुंड की जरूरत पड़ी, ना किसी और की, भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। लेकिन अगर आप बीच की घटनाओं को जानना चाहते हैं, अगर आपके पास में BSI से संबंधित बाइबल है तो आपके पास में पुराने नियम में इतनी ही पुस्तकें मिलेंगी। लेकिन कुछ बाइबलों में जो कैथलिक बाइबल होंगे या फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के बाइबल होंगे उसमें आपको पुराने नियम में ज़्यादा पुस्तकें मिलेंगी, जैसे मक्काबियों का ग्रंथ पहला, दूसरा तोबित का ग्रंथ, यूदित का ग्रंथ, इसद्रास समोत हटा दिया गया, और इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें। वो यहूदियों के पास ऑलरेडी थी जिनको अपोक्रिफा बोला जाता है, लेकिन वे लोग उसको पवित्र शास्त्र नहीं मानते थे। तो कलीसिया भी उसको पवित्र शास्त्र नहीं मानता था। 1546 ईस्वी में रोमन कैथलिक काउंसिल ने उसको अपने कैनन में उनको पवित्र शास्त्र का दर्जा दिया। तो क्योंकि वो नहीं था यहूदियों के शास्त्रों की लिस्ट में, इसलिए हमारे लिस्ट में भी नहीं। और उसमें कुछ गलतियां भी पाई जाती हैं, ऐसी गलतियां जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां जो वचन से तालमेल नहीं करती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको साइड में रखते हैं। साइड बुक की तरह आप पढ़ सकते हैं, बीच का इतिहास आपको उसमें मिलेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था बेबीलोन, मादिफासी, यूनान और रोम। रोम का वर्णन मिल जाएगा, बेबीलोन का वर्णन मिल जाएगा, मादी फारसी का वर्णन मिल जाएगा, यूनान का वर्णन आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। तो यूनान के समय क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो आपको मक्काबियों का ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, उस समय का इतिहास उसमें लिखा है। तो आप जानकारी के लिए उसको साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पुराने नियम जब आप पढ़ें तो इन बातों का ध्यान रखें, और आप ध्यान रखेंगे तो उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं, उसकी गहराई को समझ सकते हैं, और जब आप समझेंगे तो उसको सही तरीके से लागू कर सकते हैं और आशीष का कारण बन सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जब वो काउंसलिंग कराने के लिए जिसके पास गई थी वो नहीं समझते थे, वचन उसके लिए आशीष खोने का कारण बन गया उस व्यक्ति की वजह से। तो आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप वचन सीख रहे हैं तो आप सही तरीके से उस वचन को इस्तेमाल करें अपने लिए और दूसरों के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने वचन की व्याख्या हमारे सामने में बताई है, और आपने उसके आउटलाइन, उसके प्रारूप को हमारे सामने रखा है ताकि जब हम स्टडी करें हम उसकी सही समझ रख सकें। पिता, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन बातों को गहराई से समझने में हमारी मदद कीजिए, हर एक जन इसको सही तरीके से समझ जाए। और पिता,
उन पुस्तकों के हर एक संदेश उनके भीतर में समा जाए। जब वे उन पुस्तकों को पढ़ें तो वो खुल कर उनके सामने में निकल आए। जो बातें अब तक समझ में नहीं आती थी उनको समझ में आने लगे और वे सही तरीके से तुझे पहचान नहीं पाए। उसमें से जो मसीह का संदेश है उस मसीह को वे सही से पहचान नहीं पाए और उससे जो हमारी आशीषें हैं उस आशीषों को पाने सके। क्योंकि पिता हम तेरे वचन में पढ़ते हैं जैसे पत्रस ने लिखा है कि जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे वे मसीह और उसके आने वाले दुख और उसके बाद होने वाली महिमा के विषय में भविष्यवाणी करते थे। पिता उस आने वाली महिमा के समय में हम लोग हैं, हमारे विषय में तूने लोगों को बड़ा दुख उठाकर भविष्यवाणी करवाया। पिता तू अनुग्रह कर जब हम उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो आशीष की बातें हैं उनको हम प्राप्त कर सके, उन पर हम खड़े हो सके, ताकि उनका दुख उठाना सार्थक रहे, उनका भविष्यवाणी करना हमारे जीवन के लिए सार्थक रहे और हम तेरी महिमा को पूरी कर नहीं पाए। हम धन्यवाद करते पिता, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।